जय श्री राम ऑल ऑफ यू कृतिका तिवारी अमन तन्मय एसके मेघा विक्रमजीत महक यस द टाइप ऑफ एनर्जी ऊर्जा जो अपने कंट्री में अभी देखने को मिल रही है आई थिंक आई कांट रिमेम्बर द लास्ट ओकेजन

यूज दैट स्टोर इट एंड नेक्स्ट थ्री मंथ में फाड़ दीजिए जिससे कि आपका ये जो शॉर्ट टर्म माइल में क्लियर हो जाए। तो जाएगा so आप तो घुमा फिरा के वापिस पढ़ाई पे आ गए, क्या करे जो जिसका कर्म है उस कर्म में निष्ठा दिखा के ही तो वो थोड़ा सा रामत्व प्राप्त कर पाएगा और दिखा पाएगा करेक्ट तो आई थिंक वी शुड यूटिलाइज दिस एनर्जी एज फार एज पॉसिबल मेरा बैकग्राउंड इफ आई गो बैक जस्ट टू मिनट्स सो 1977 आई एम बॉर्न तो 1991-92 वो जो फेज था आई वाज अराउंड 14-15 इयर्स ओल्ड एंड मैं हावड़ा में कैलकाटा में एक जगह है हावड़ा उसके अंदर एक मैदान था चिंतामणि मार्ठ चिंतामणि मार्ठ उसमें शाखा लगती थी आर की और वो जो शाखा लगती थी आर की उस पर मैं शिक्षक था सो आई वॉज़ वेरी एक्टिव इन दैट फेज अराउंड सेवन एट इयर्स ओल्ड से लेके सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ईयर्स ओल्ड तक बट उसके बाद जाके द प्रेशर्स ऑफ फैमिली फाइनेंशियल प्रेशर एंड एवरी थिंग वॉज सो मच दैट आई जस्ट केम आउट ऑफ एवरी थिंग एंड मैं पूरा का पूरा लग गया सो आई हेड सीन इट वेरी क्लोजली वो उस समय जो मूवमेंट हुआ था एंड uh, रस्तों रस्ते पे हम लोग निकलते थे अलग अलग स्लोगन बोल के तो इट्स अ ग्रेट मेमोरी बट दीज आर पर्सनल थिंग्स सो आई डू नॉट कम आउट ऑन यूट्यूब एंड ऑल दैट शेयरिंग दिस सबके पास अपना अपना ओपिनियंस और वो है जो एक्सट्रोवर्ट है वो एक्सप्रेस करते जो इंट्रोवर्ट है वो अपने पास पे रखते हैं आप लोग सब मेरे से बहुत करीब हो मेगा महक यश के uh, अमन तो बिकॉज ऑफ विच थोड़ा पर्सनल शेयरिंग हो जाता है न्यू चैप्टर रिसीवेबल्स मैनेजमेंट ओके वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पार्ट है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट एंड ये जो रिसीवेबल्स मैनेजमेंट है यह चैप्टर अपने स्टार्ट कर रहे हैं इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर मजा आता है इसको करने में क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कॉमन सेंस यूज होता है ऑफ कोर्स पूरे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग तो है ही नहीं ठीक है और रिसीबल्स मैनेजमेंट और भी बढ़िया लगता है ऐसा देखा गया है सो द मोस्ट फेवरेट चैप्टर ऑफ स्टूडेंट्स इन सी इंटर इज लेवरेज सबसे छोटा सबसे स्वीट एंड आई वुड से द सेकेंड फेवरेट चैप्टर ऑफ स्टूडेंट्स इन सी ए इंटर हैज़ ऑलवेज बीन दिस रिस मैनेजमेंट हैविंग सेड दैट एक और चीज़ है कि यस्टरडे डे एक इंटरव्यू मेरा हुआ जय के साथ मुंबई में उनके फादर से मिला उनके मदर से मिला ठीक है एंड वो इंटरव्यू जो जय के साथ था मतलब आई हैव मेट मेनी ए आई आर वंस इन माई लाइफ ओके एक्सपीरियंस एज अ टीचर बट वो जय का जो इंटरव्यू है उसमें उसने जो बोला है उसका जो पर्सपेक्टिव है आई थिंक जब समय मिले तो एक बार जरूर सुनिएगा जब वो एस एस सी आई यूट्यूब पर अपलोड होगा ठीक है इट इज वर्थ लिसनिंग टू वट ही सेट ऑफकोर्स अदर टीचर्स ने भी लिया होगा इंटरव्यू बट आई हैव नॉट हर्ड द सेम तो जय ने एक दो पॉइंट्स जो बोले ना वो बहुत काम के हैं ओके okay? तो आई एम रेकमेंडिंग स्ट्रांगली कि आप सुनिएगा जब वो अपलोड होगा मे बी कल या परसों uh, तो सी इंटर के स्टूडेंट्स के लिए इट्स अ वेरी गुड क्लैरिटी एंड इंस्पिरेशन चलिए स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा वार्म से स्टार्ट करें ठीक है लेट स्टार्ट विद द वार्म अप बिकॉज वो वार्म से एक्चुअली अपने सब्जेक्ट को बहुत क्लेरिटी मिलता है। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट इसके अंदर वी आर स्टार्टिंग विद द वार्म अप वार्म so अप में मेरा बोलने का मतलब ये होता है कि इट्स अ कॉमन सेंस चैप्टर सच दैट मैं आपको अगर कुछ डेटा पॉइंट्स दूं कुछ नंबर्स दूं तो मेरे ख्याल से आप अपने आप कैलकुलेशन कर लोगे शुड वी ट्राई दैट तो मैंने चैप्टर पढ़ाया नहीं है इफ आई गिव यू सम स्टोरी एंड आस्क यू सम क्वेश्चन आप अपने आप ही उस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर पाओगे शुड वी ट्राई दैट ओके आई गेट अ यस फ्रॉम एवरीबडी थैंक यू चलिए सुनिएगा सो यू आर अ फर्म एक्स लिमिटेड और एक्स लिमिटेड के पास एक पोटेंशियल कस्टमर आता है उधार में माल खरीदने के लिए तो आपकी कंपनी एक्स लिमिटेड आप अपने आप को एक्स लिमिटेड समझिए और आपके पास एक पोटेंशियल कस्टमर आ रहा है उधार में माल खरीदने के लिए करेक्ट इफ यू अग्री ऑब्वियसली ही विल बिकम योर रिसीबल्स वो आपका डेटर बन जाएगा ठीक है ना तो क्या आपको उसको उधार में माल बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए उसका डिसीजन है इज इट फाइन ठीक है तो जिससे आप रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा लिख दे एक्स लिमिटेड अपने हो गए कस्टमर अप्रोचेस एक्स लिमिटेड फॉर क्रेडिट फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स मैंने परचेज लिखा है बिकॉज कस्टमर तो परचेज ही करेगा ना एक्स लिमिटेड ऑब्वियसली सेल करेगा होप कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए मैंने परचेज लिखा है बिकॉज कस्टमर तो परचेस करने आए हैं ना एक्स लिमिटेड के लिए वो क्रेडिट सेल हो गया तो आई थिंक उससे कुछ कंफ्यूजन होगा नहीं ठीक है अब तो मैं डिटेल्स बता रहा हूं जो पूरे साल भर का फॉर द ईयर ओके फॉर द ईयर एक्सपेक्टेड क्रेडिट सेल्स होप आप लिख रहे हैं वुड बी सिक्स लाख छह लाख का सेल होगा एक्सपेक्टेड क्रेडिट सेल्स वुड बी सिक्स लाख ठीक है ना The cost of goods sold would be suppose एट्टी percent यानी कितना हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वुड बी एट्टी परसेंट तो कितना हो गया तो ये हो गया फोर लाख एट्टी थाउजेंड चार लाख अस्सी हजार ठीक है मैं अभी वेरिएबल और फिक्स के झमेले में नहीं जा रहा हूं तो मैंने इसको वेरिएबल के तौर पे लिख दिया है ठीक है अभी अपने होसा माता पच्चे पे नहीं जा रहे तो लाख अस्सी हजार मोटा मोटी कमाई दिख रहा होगा ठीक है जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है एक लाख बीस हजार दिख रहा होगा हा हमने उस कस्टमर को स्टडी किया स्टडी दो चीज किया उसका नंबर वन उसका चरित्र और नंबर टू उसकी क्षमता इफ आई स्पीक इन इंग्लिश चेक हिज कैरेक्टर विच चेक्ट हिज कैपैसिटी कैरेक्टर का मतलब हुआ हो सकता है वो स्वभाव से ही पैसा मारना चाहता है ठीक है तो चेक करना पड़ेगा उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बैंकर्स से रेफरेंसेस बाकी से रेफरेंसेस यू हैव टू कैरी आउट अ ड्यू डिलीजेंस टू नो कि वेदर वो स्वभाव से ही चोर है क्या ठीक है दैट्स अ चेक ऑफ हिज कैरेक्टर चरित्र और कैपेसिटी का मतलब हुआ ठीक है उसका चरित्र ठीक है ही डज इन वॉन्ट टू डिफॉल्ट बट क्या पता उसका फाइनेंशियल कंडीशन वीक है माने ही डजेंट द कैपेसिटी टू पे ठीक है द कैपेसिटी द एबिलिटी टू पे उसका इंडस्ट्री कैसा कर रहा है वो किस इंडस्ट्री से है उसका फाइनेंशियल कैसा है बैलेंस शीट कैसा है जो अपने रेशियो में किए थे ना तो वो सब चेक करते हैं अपने ठीक है तो वो सब चेक करके हमने ये महसूस किया कि ये जो पूरे साल भर हमसे माल लेने वाला है उस पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन पेमेंट इज टेन ठीक है तो ये आपको निकालना नहीं है ये सब में दिया रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज टेन परसेंट तो एक बहुत ही विजनरी स्टूडेंट के मन में आएगा कि सर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कैसे निकलता है आई एम नॉट एबल टू गो इन टू इट ऑल दो मैंने उसका हिंट दिया है वो हिंट कोई चाहे तो बगल में लिख सकता है बाई चेकिंग द कस्टमर्स कैरेक्टर एंड कैपेसिटी बाई चेकिंग द कस्टमर्स कैरेक्टर कैपैसिटी ठीक है ऑल दो वो एग्जाम के लिए कोई भी काम का नहीं है ठीक है ना ओके ये मैं हिंट क्यों देता हूं जब एग्जाम के लिए काम का नहीं है बिकॉज जब कल मिला मैं ए या आई आर वन जय से तो उसका यही बोलना था सर वो जो हिंट भी आप देते हो ना कोई कोई चीज का उसकी वजह से जिनके पास समय जिनका हॉबी है दे कैन एटलीस्ट एक्सप्लोर इन टू ऑल दैट ना एंड गेट टू नो मोर तो क्या हर जगह हिंट देने में ठीक है सो प्रॉबिलिटी ऑफ डिफॉल्टज टेन परसेंट छह लाख का माल बेच रहे हैं तो कितना बैड डेट का स्कोप है छह लाख का माल बेच रहे हैं, कितना बैड डेट का स्कोप है छह लाख का माल बेच रहे मैंने पूछा कितना बैड डेट का स्कोप है साठ हजार करेक्ट है साठ हजार बैड डेट का स्कोप है टैक्स रेट जो है वो थर्टी परसेंट है एक्स लिमिटेड का टैक्स रेट उसके अलावा

याद है करंट एसेट फाइनेंसिंग पॉलिसी फर्स्ट क्लास ठीक है करंट एसेट फाइनेंसिंग पॉलिसी उस एसे हमने पढ़ा था ना कि अगर अपने ज्यादा लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करते हैं तो वो कंजर्वेटिव हुआ पर ज्यादा शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करते हैं तो अग्रेसिव हुआ करंट एसेट फाइनेंसिंग पॉलिसी होप आपको याद होगा कि शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करेंगे तो कॉस्ट कमती लगेगा बट रिस्क होगा इनसोल्वेंसी का ओके लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ सकती है ठीक है तो वट इट इज मैं बोलना चाह रहा हूं कि अल्टीमेटली जो अपना पैसा ब्लॉक्ट होगा ना डेटर्स में डेटर्स भी तो टाइप ऑफ करेंट एसेट है उस पर जो पैसा ब्लॉक्ड है एसेट साइड में वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से पैसा आ रहा होगा तो उसका एक ब्याज लग रहा होगा वो जो ब्याज लग रहा होगा उसको बोलते हैं हम लोग इस चैप्टर में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो सपोज वो दिया हुआ है सपोज वो दिया हुआ है ऑपरचुनिटी कॉस्ट और आर ओ आई इक्वल टू ट्वेंटी परसेंट पोस्ट टैक्स ओके पोस्ट टैक्स जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको याद है ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आफ्टर टैक्स से निकालते थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आफ्टर टैक्स से निकलता है डब्ल्यू डी के डी प्लस डब्ल्यू के ई आफ्टर टैक्स ठीक है ना तो वैसे ही ट्वेंटी परसेंट दिया हुआ है द पोस्टैक्स कॉस्ट करेक्ट ठीक है उसके अलावा जो क्रेडिट पीरियड ना क्रेडिट पीरियड या लिखता हूं एवरेज कलेक्शन पीरियड ए वो दिया हुआ है वन मंथ एवरेज कलेक्शन पीरियड वन मंथ है ठीक है किसा उसको वो जो उसको माल बेचेंगे ना अपने तो एवरेज में कितने दिन में पैसा वापस आ जाएगा एक महीने में ध्यान रहे अपने पूरे साल भर बेचने वाले ऐसा नहीं कि फर्स्ट अप्रैल को छह लाख का माल बेच दिए फिर एक महीने बाद कलेक्ट हो गया स्टोरी खत्म नहीं भाई उसको माल बेचते जा रहे थ्रू आउट द ईयर तो आप सोच सकते हो पचास पचास हजार का हर बहना बेच रहे हैं या इनफैक्ट यू कैन गो इन टू डेज एंड ऑल दैट ठीक है तो साल का सेल्स छह लाख था सेल होगा कलेक्ट होगा सेल होगा कलेक्ट होगा सेल होगा कलेक्ट होगा तो छह लाख रुपया अपना फसावा नहीं रहेगा तो इनकम स्टेटमेंट में जो सेल्स होता है और बैलेंस शीट में डेटर्स जो होता है दोनों सेम होता है क्या ये सब पहले ही बताया हुआ बट क्लियर कर दू कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में जो सेल्स होता है और बैलेंस शीट पे जो डेटर्स होता है वो सेम होता है क्या एकदम भी सेम नहीं होता है तभी तो हम लोग डेटर्स टर्न ओवर किए थे कि जो क्रेडिट सेल्स है इनकम स्टेटमेंट में वो तो डेटर्स का फाइव टाइम्स सेवन टाइम्स एट टाइम्स होगा ठीक है ये सब कर चुका है हमने। तो ये सब कंफ्यूजन मत हो ना ठीक है ना तो इन दैट केस हम लोग डेटर्स को सेल्स पे क्या बोले बताओ इस सबस क्या आया आपका आपका डेटर्स क्या आया प्लीज बताइएगा डेटा आपके पास है डेटर्स क्या आया अगर अपने सेलिंग प्राइस पे ले तो डेटर्स क्या आया अगर अपने सेलिंग प्राइस पे ले तो डेटर्स क्या आया डेटर्स क्या आया विक्रमजीत अमन लक्ष्य एसके मेघा मेघा ने बोला करेक्ट है मेघा आपने सही बोला है मेघा मोंगिया यश ने बोला गीतिका ने बोला कृतिका ने बोला नहीं कृतिका ने अभी तक नहीं बोला है अवनीत ने बोला लक्ष्य आप गलत बोल रहे हो लक्ष्य आप गलत बोल रहे हो लक्ष्य का आंसर गलत है क्ष का आंसर गलत है विच इज वेरी सरप्राइजिंग एक महीने का एवरेज कलेक्शन पीरियड और तब भी लक्ष्य आप बोल नहीं पा रहे हो तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आपके अंडरस्टैंडिंग में छ लाख इंटू वन बाई ट्वेल्व छह लाख इंटू वन बाई ट्वेल्व पचास हजार ना छ लाख इंटू वन बाई ट्वेल्व पचास हजार छह लाख इंटू वन बाय ट्वेल्व फॉर्मूला क्या चाहिए एक महीने में कलेक्ट करते तो एक महीने का डेटस रहता है सिंपल एज दैट ठीक है अब कोई वो बोलेगा सर एक महीने में कलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ट्वेल्व टाइम्स अपना टर्न ओवर रेशियो हो गया तो सर मेरे को वैसे याद है डेटर्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाई टर्न ओवर रेशियो वैसे कर सकता हो गया कर सकते हो बर्बादी कर रहे हो ठीक है तो पचास हजार डेटा एट सेल्स है बट टेल मी समथिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर में हम लोग ज्यादातर वर्किंग कैपिटल को फोरकास्ट किस पे करते थे टोटल अप्रोच से या कैश कॉस्ट अप्रोच से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर में हम लोग ज्यादातर सम्स में वर्किंग कैपिटल कैसे फोरकास्ट करते थे टोटल अप्रोच से या कैश कॉस्ट अप्रोच से कैश कॉस्ट यहां पे भी इस चैप्टर में भी इस चैप्टर में भी ठीक है जो पैसा ब्लॉक्ड होगा ना क्रेडिट सेल्स की वजह से जो पैसा ब्लॉक्ड होगा वो पैसा ब्लॉक्ड दो तरह से निकाल सकते हैं एक तो डेटर्स एट सेल्स और एक डेटर्स एट कॉस्ट डेटर्स एट सेल्स डेटर्स एट कॉस्ट इज कंसिस्टेंट उन्होंने डेटर्स को ज्यादातर कॉस्ट पे लिया है यानी कि अगर अपने बुक में 45 सम्स हैं और अगर कोई दो सम्स में डेटर्स एट सेल्स लिया है तो उन सम्स को हाईलाइट करना जरूरी है ध्यान रखिएगा डेटर्स एट कॉस्ट लेते हैं हम लोग इफ सम बट किसी एक या दो सम में आईसीआई आए ने सेल्स अप्रोच से किया है तो उसको अपने मार्क कर लेंगे ठीक है सर हम नोट दे के उसको अपने कॉस्ट अप्रोच से नहीं कर सकते हैं क्या कर सकते हैं पर मैं एडवाइज नहीं करूंगा ठीक है नॉलेज जाने पर एग्जाम में फुल मार्क्स लाए ना ठीक है तो तो डेटर्स एट कॉस्ट बताइए डेटर्स एट कॉस्ट आई एम वेटिंग डेटर्स एट सेल्स पचास हजार था डेटर्स एट कॉस्ट बताइए विक्रमजीत बोल रहे ऐसा क्यों क्या ऐसा क्यों क्या बोल रहे हो ऐसा क्यों गाना गा रहे हो क्या मैं ऐसा क्यों हूं मैं ऐसा क्यों हूं क्या बोल रहे हो ऐसा क्यों एट कॉस्ट क्यू सर तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में एट कॉस्ट क्यू था वहां नहीं पूछे वर्किंग कैपिटल में एट कॉस्ट क्यू था वहां नहीं पूछे बिकॉज तुम तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में बहुत अच्छा आंसर्स कर रहे थे तो वहां सोचे भी ना आंसर्स कर रहे थे क्या फोर्टी थाउजेंड करेक्ट आंसर आप लोग का एक बार विक्रम जीत का देख रहा हूं मैं वो बोल रहा है कि डेटर्स को एट कॉस्ट क्यू लेते हैं सर वो तो अपना पैसा अटक गया था तो यहां पर भी तो वही है बाप रे बाप तो यहां पे क्या डिफरेंस है यहां पे भी तो वही है कि हमने जो क्रेडिट सेल किया छह लाख कौन सा छह लाख हमारा अटका हमारा तो चार लाख अस्सी अटक रहा है और वो चार लाख अस्सी हजार एक महीने तक जाम है तो चार लाख अस्सी हजार इंटू वन बाई ट्वेल्व वहां भी तो डेटर्स निकालते थे सेम चीज है कोई डिफरेंस नहीं है ओके सेम चीज है कोई भी डिफरेंस नहीं है आपको लग रहा है तो आश्चर्य की बात है तो डेटर्स एट कॉस्ट फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड तो चालीस हजार जो है वो डेटर्स एट कॉस्ट है ओके तो मैं लिख रहा हूं देफो इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स दो अप्रोच है एक है टोटल अप्रोच और सेल्स अप्रोच बोलते सेल्स अप्रोच ये टोटल से कंफ्यूजन होगा मेरे ख्याल से टोटल मत लिखिए और या फिर लिख के ऐसे काटिए बेटर रहेगा अच्छा देखेगा सेल्स अप्रोच और दूसरा है कॉस्ट अप्रोच कॉस्ट अप्रोच तो अपने अगर सेल्स अप्रोच से करेंगे तो छह लाख इंटू वन बाई ट्वेल्व पचास हजार कॉस्ट अप्रोच से करेंगे तो फोर लाख एट्टी थाउजेंड इंटू वन बाई ट्वेल्व चालीस हजार करना कौन सा है चालीस हजार कोई एक्सेप्शन है क्या हाँ है कौन से सम में देखेंगे मेरे को याद नहीं है ठीक है ना सर नोट दे के क्या हम हर सब में सेल्स अप्रोच करके आ सकते हैं एकदम भी नहीं मत कीजिएगा ओके तो इंस्टीट्यूट फॉलोज कॉस्ट अप्रोच इन मोस्ट ऑफ द सम्स ठीक है कॉस्ट अप्रोच तो फोर्टी थाउजेंड ऑपरचुनिटी कॉस्ट क्या था ऑपरचुनिटी कॉस्ट था बीस परसेंट तो ये फोर्टी थाउजेंड जो है ये तो पैसा ब्लॉक टू है यानी ये पैसा अपने को बाजार से उठाना पड़ा फंड करना पड़ा और ब्याज रेट क्या है बीस परसेंट वो चालीस हजार जो ब्लॉक्ट है वो कोई खर्चा थोड़ी है इट्स नॉट एन एक्सपेंस इन द पीएल अकाउंट बट वो चालीस हजार का फाइनेंसिंग करना पड़ा तो जो फाइनेंसिंग करना पड़ा उसका ब्याज बीस परसेंट है चालीस तो हजार का बीस परसेंट कितना आठ हजार तो एट थाउजेंड इज दर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंडिंग रिसीवल्स वॉट इज इट लिख लिया एट थाउजेंड इज द ऑपरच्युनिटी कॉस्ट ऑफ फंडिंग रिसीवल्स ऑपरचुनिटी कॉस्ट ऑफ फंडिंग receivables, बीस परसेंट ऑफ फोर्टी थाउजेंड इक्वल टू एट थाउजेंड ऑपरचुनिटी कॉस्ट ऑफ फंडिंग आठ हजार ब्याज है ब्याज तो आप अगर नेट हिसाब निकालेंगे तो छह लाख माइनस फोर एट्टी एक लाख बीस का फायदा ग्रॉस प्रॉफिट टाइप्स एक लाख बीस माइनस बैड डेट आपने बोला साठ हजार होगा एक बीस माइनस साठ इज इक्वल टू साठ हजार सही बोल रहा हूं टेन परसेंट ऑफ छह लाख साठ हजार का बैड डेट होगा तो एक बीस माइनस साठ इक्वल टू साठ हजार साठ हजार का पोस्ट टैक्स किया सिक्सटी थाउजेंड इंटू पॉइंट सेवन सिक्सटी थाउजेंड इंटू पॉइंट सेवन सिक्सटी थाउजेंड इंटू पॉइंट सेवन फोर्टी टू थाउजेंड थाउजेंड इंटू पॉइंट सेवन फोर्टी टू थाउजेंड फोर्टी टू थाउजेंड माइनस एट थाउजेंड फोर्टी टू थाउजेंड माइनस एट थाउजेंड फोर्टी टू थाउजेंड माइनस एट थाउजेंड इक्वल टू व्हाट? थर्टी फोर थाउजेंड तो थर्टी फोर थाउजेंड का एक्सपेक्टेड बेनिफिट है थर्टी फोर थाउजेंड का एक्सपेक्टेड नेट बेनिफिट है थर्टी फोर थाउजेंड इसका मतलब एक्स लिमिटेड शुड अग्री और डिसग्री थर्टी फोर थाउजेंड का एक्सपेक्टेड नेट बेनिफिट है इसका मतलब एक्स लिमिटेड शुड अग्री अग्री और नॉट का एक्सपेक्टेड नेट बेनिफिट है शुड एक्स लिमिटेड अग्री और नॉट अग्री तो आंसर इज यस सर एक्स लिमिटेड शुड अग्री एसके बोल रहे डिस क्या बोल रहे हो भाई एक्स लिमिटेड लक्ष्मी बोल रहे डिस अग्री मैं कुछ गलत समझ रहा हूं या कुछ तुम गलत लिख रहे हो एक्स लिमिटेड को चौंतीस हजार का फायदा होने वाला है इट्स लाइक एन टाइम वैल्यू मनी नहीं है वरना इसको एनपीवी बोल देते तो एक्स लिमिटेड को चौंतीस हजार का फायदा होने वाला है तो उसको तो अग्री करना चाहिए ना एसके ने लिखा और लक्ष्य ने लिखा डिसअग्री क्या उन लोग को वर्ड अच्छा लग गया क्या डिस भाई थोड़ा सा रोशनी डालो एसके और लक्ष्य ओके okay. लक्ष्य बोल रहा, ओके सर तब अग्री ठीक है आप इतना मेरा नाम लेके बोले तो ठीक है अब अग्री सर ठीक है चलिए तो दे शुड अग्री वैसे जब मैंने कैबज का बात छेड़ ही दिया वैसे कैबज का बात छेड़ ही दिया तो लेट मी टेल यू वन थिंग सुनिए प्लीज अपना पैसा कितना टग रहा है चालीस हजार टे ना इस पूरे कांड में चालीस हजार और अगर अपने इंटरेस्ट कॉस्ट आठ हजार को भूल जाएं इंटरेस्ट कॉस्ट आठ हजार को भूल जाएं तो फायदा कितना हो रहा था बयालीस हजार याद है बाप रे बाप यश राज जो है वो है कोई बोल रहे स बट क्या हम लोग किसी और प्रोजेक्ट से कंपेयर करके बेनिफिट नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम लोग के पास जो है वो इस सम में इंफॉर्मेशन है क्या बात तो हो रहा है इस डेटा का वो इंफॉर्मेशन है क्या होता ना आज कुछ तूफानी करते हैं ये यशराज आपका डिस्क्रिप्शन है ओके okay, मेरे द्वारा कि आपका डर जो है ना मेरे को एग्जाम में वो यही है कि आप जब सिंपल सिंपल सम आएगा आप उसमें कुछ तूफानी करने जाएंगे ठीक है ना तो 42,000 का प्रॉफिट था अगर अपने 8000 थाउजेंड कंसिडर नहीं करें और अपना 40000 का इन्वेस्टमेंट है तो वैसे देखा जाए तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या कमा रहे हैं वॉट इज दर वाई दैट वी आर अर्निंग प्लीज बताइएगा 40000 इन्वेस्ट करके 42000 कमा रहे हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ 42000 टू थाउजेंड बाई फोर्टी मैंने पूछा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ फोर्टी टू थाउजेंड बाई फोर्टी थाउजेंड शर्माओ मत एक सौ परसेंट से ज्यादा कितना एक सौ पांच परसेंटेंडीड इंटू हंड्रेड एक सौ पांच परसेंट बोला नहीं जा रहा है मन से ना प्रॉब्लम यह है एक सौ पांच परसेंट डाइजेस्ट नहीं हो रहे परसेंट रिटर्न है एक बंदा बोल रहा है सर पर फोर्टी टू थाउजेंड तो पूरे साल का है फोर्टी थाउजेंड भी तो पूरे साल का है वो एक महीने का थोड़ी है तो फिर आपने समझा ही क्या पीएल अकाउंट में सेल्स पूरे साल का छह लाख डेटर्स बैलेंस शीट में चालीस हजार फिर आप कुछ भी नहीं समझ रहे हो लेट मी स्लो इट डाउन चालीस हजार जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरे साल भर चालीस हजार है चालीस हजार जो इन्वेस्टमेंट डेटर्स पूरे साल भर चालीस हजार है चालीस हजार रुपया हमारा अटका हुआ रहेगा ऑन एन एवरेज और हम कमाएंगे बयालीस हजार एक सौ पांच परसेंट शर्म आए तो आए ठीक है और वो शर्म को दूर करो अभी अभी शर्म को दूर करो रुको तुम एक काम करो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए 10-20 परसेंट ब्याज पे बोरो कर लो पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए 10-20 परसेंट ब्याज पे पैसा बोरो कर लो से एक लाख ,00 रुपया तो एक लाख रुपया बोरो किया तुमने से 10 परसेंट ब्याज पे ठीक है अब वो एक लाख रुपया तुमने एक शेयर में लगाया एक लाख रुपया एक शेयर में लगाया तुमने और वो जो शेयर है वो शेयर का दाम माने वो जो वैल्यू है वो दो लाख बीस हो गया ये पॉसिबल है कि नहीं तुमने एक लाख रुपया शेयर में लगाया एक साल बाद वो शेयर का वैल्यू दो लाख बीस हजार हो गया पॉसिबल है कि नहीं है एक लाख रुपया शेयर में लगाए एक साल बाद दो लाख बीस हजार हो गया तो हमने एक बीस कमा लिया एक बीस कमाया कितना लगा के एक लाख कमा के तो एक लाख बीस कमाया एक लाख कमा कितना परसेंट एक सौ बीस परसेंट जबकि फंडिंग कॉस्ट क्या था टेन परसेंट तो सर टेन परसेंट बोरो करके हमने एक सौ बीस परसेंट कमा लिया ठीक है तो होता है तो क्यों शर्मानेस बार बार नहीं होता है ठीक है ना एक बार का लग, अलग बात है तो वैसे ही इस में अगर अपने कैपज में एनपीवी के अलावा विच वॉज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन कैपिटल बजटिंग में एनपीवी के अलावा दूसरा पॉपुलर क्राइटेरियन कौन सा था एनपीवी के बाद सबसे पॉपुलर क्राइटेरियन कौन सा था आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सबसे पॉपुलर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो पापा लोग को समझ में आता है ठीक है कि भाई रिटर्न है प्रोजेक्ट समझते हैं तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को केसी से कंपेयर करते थे याद है वैसे ही अगर वैसे जाएं तो यहां पे एक्सपेक्टेड रिटर्न है अपना 105 परसेंट पर फंडिंग कॉस्ट क्या है 20 परसेंट

उसको बेस्ट जगह पे लगाएंगे जहां पे सबसे ज्यादा पीआई हो तो यश राज वहाँ चला भाई उतना आगे नहीं जा रहे ठीक है We are stopping it पैसा देरी से आता था उसका पीवी करना पड़ता था ठीक है या आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो करके आयराम निकालना पड़ता था और यहां पर आराम से हो जा रहे ठीक है ये वार्म अप चल है आई होप आपको वार्म से समझाना पसंद है वरना मैं पोइट्री वाइज समझा सकता हूं आई होप आपको वार्म अप से समझाना पसंद है वरना मैं पोइट्री चालू कर सकता हूं ठीक है जहां पे वन वे ट्रैफिक चलेगा ठीक है बिकॉज मैटर यशराज ने क्या बोला लक्ष्य ने क्या बोला किसी से मिस्टेक हुआ बट आपका पार्टिसिपेशन पूरा था आपका पार्टिसिपेशन पूरा था और जब आपका पार्टिसिपेशन पूरा होगा आपका दिमाग चलेगा और आपको ध्यान रहेगा ठीक है ना ओके तो इन दैट केस अब बात करते हैं आईसीए सम में कैसे प्रेजेंट करता है सुनना ठीक से सुनना सही सब एग्जाम में आता है ऑफ कोर्स, भाई क्लियर कर दे मेरे को ही पता है कि मैं सीए इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं आई एम क्लियर एंड यू आर ऑल्सो क्लियर ठीक है तो ये एग्जाम में सम आता है आईसीआई कैसे करता है उसको बोलने के पहले एक चीज आपको छ आठ महीना पहले ले चलता हूं आज से आठ महीना पहले सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने वाले थे है ना शायद आठ महीना नौ महीना पहले सीए फाउंडेशन एग्जाम देने वाले थे कोई स्टूडेंट मेरे को बताना वहां पे अकाउंटिंग प्रॉफिट वर्सेस इकोनॉमिक प्रॉफिट का डिफरेंस ध्यान है क्या मंथ्स अगो सी फाउंडेशन अकाउंटिंग प्रॉफिट वर्सेस इकोनॉमिक प्रॉफिट उसका डिफरेंस किसी को याद है क्या कि दोनों में क्या अंतर था अकाउंटिंग प्रॉफिट इकोनॉमिक प्रॉफिट कृतिका बोल रही यस yes, काश अभी ऑडियो पे बोल पाती मैं फेस टू फेस क्लास चलता रहता ठीक है कोई बात नहीं कर तुम हिंट दे दो मैं समझ जाऊंगा तुम दो शब्द बोलो मैं उसको बीस शब्द में एक्सट्रापोलेट कर लूंगा मेघा बोल रही है नोशनल प्रॉफिट इन इकोनॉमिक प्रॉफिट नोशनल वर्ड उतना अच्छा नहीं लगा पर आई थिंक मेघा आपको पता है ठीक है तो आई गॉट द स्टफ और कोई अकाउंटिंग प्रॉफिट इकोनॉमिक प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट होता था रेवेन्यू माइनस एक्सप्लेसिड कॉस्ट रेवेन्यू माइनस एक्सप्लेट कॉस्ट जो भी बाहर वालों को पे कर रहे हैं जो रेवेन्यू है माइनस रॉ मटेरियल कॉस्ट माइनस लेबर कॉस्ट माइनस रेंट ये वो जो भी है दैट वाज अकाउंटिंग प्रॉफिट इकोनॉमिक प्रॉफिट में अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट में से लेस करते थे इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी जो ओनर है जो ओनर है उसने जो कैपिटल सप्लाई किया उसके बदले जो उसको रिटर्न मिलना चाहिए इंटरेस्ट मिलना चाहिए या ओनर ने खुद याद आ रहा होगा कृतिका आपने गलत लिखा है रेवेन्यू माइनस इंप्लेसिड कॉस्ट नहीं था इट वॉज रेवेन्यू माइनस एक्सप्लेसिट माइनस इम्प्लेसिट तो इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालते समय रेवेन्यू में से एक्सप्लेट और इम्प्लेसिट दोनों लेस हैं सर ये सीए फाउंडेशन का बात करके क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो क्या काम आएगा गारंटीड वो तुम्हारे हर जगह काम आएगा फाइनल में भी काम आएगा डोंट वरी मैं कहीं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं जो तुम्हारा बेस बना हुआ उसको यूज कर रहा हूं और यूज करूंगा ठीक है ना तो रेवेन्यू में से केवल एक्सप्लिसिट बाहर का कॉस्ट लेस करते हैं दैट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट और उसमें से अगर इंप्लिसिट कॉस्ट लेस करते हैं इंप्लिसिट जो ओनर को मिलना चाहिए तो उसको बोलते थे इकोनॉमिक प्रॉफिट ठीक है ना तो यहां बताइएगा एक था चार लाख अस्सी हजार जो चार लाख अस्सी हजार था ना चार लाख अस्सी हजार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसको आप एक्सप्लेट कॉस्ट बोलोगे या बोलोगेट छह लाख का माल बेच रहे हैं चार लाख अस्सी हजार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसको एक्सप्लेसिट बोलोगे yes, या इम्प्लेसिट यस प्लीज चार लाख अस्सी हजार एक्सप्लेसिट या इम्प्लेसिट एक्सप्लेट ऑब्वियस है बाहर वाले हो गया रॉ मटेरियल कॉस्ट वगैरह एक्सप्लेट कॉस्ट है ठीक है ना उसके अलावा जो बैड डेट का नुकसान होगा अगला जो पैसा मारेगा अगला जो पैसा मारेगा अगला जो पैसा मारेगा बैड डेट का नुकसान होगा एक्सप्लेट और इम्प्लेसेट अगला पैसा ही नहीं देगा ठीक है पैसा मारेगा वो है या है ध्यान रखना इम्प्लेसिट वो होता है जो ओनर के पास जाता है ओके तो जो बैड डेट का पैसा मारेगा साठ हजार वो एक्सप्लेट या इम्प्लेसिट एक्सप्लेट ऑब्वियस है एक्सप्लेसिट ठीक है ये जो ट्वेंटी परसेंट है ना ऑपर्चुनिटी कॉस्ट ट्वेंटी परसेंट जो हमने निकाला था चालीस हजार पे लगा के आठ हजार ऑपरचुनिटी कॉस्ट ये जो आठ हजार है ठीक है एक्सप्लिसिट एक्सप्लेसिटे दिस इज इम्प्लेसिट बिकॉज ओनर वाइज यहां पर अपने जैसे कैबज में होता है ना जिन्होंने भी फाइनेंस किया है इक्विटी ने फाइनेंस किया होगा लॉन्ग टर्म डेट ने फाइनेंस किया होगा ठीक है तो हम लोग एक बार उनको सबको ओनर्स मान रहे हैं जो फाइनेंसिंग वाला पार्ट है सपोज उनको ओनर्स मान रहे हैं ठीक है ना तो उनको अगर ओनर्स मान रहे हैं तो उनका जो ब्याज देना है वो इंप्लेसिड कॉस्ट है ठीक है तो सीए इंस्टीट्यूट को ये आंसर दिखाते समय क्या करना चाहिए बता रहा हूं उनको पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना चाहिए और अकाउंटिंग प्रॉफिट में से ऑपरचुनिटी कॉस्ट लेस करके इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना चाहिए आई रिपीट सीए इंस्टीट्यूट को अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना चाहिए और अकाउंटिंग प्रॉफिट में से इंप्लेसिड कॉस्ट लेस करके इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना चाहिए ठीक है और वो पॉजिटिव आया तो यस वायबल नेगेटिव आया तो नॉट वायबल सी ए इंस्टीट्यूट यही करता है बट अकाउंटिंग प्रॉफिट को अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं बोलते है तो क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट को इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं बोलते है बोलते हैं नेट बेनिफिट क्या बोलते हैं नेट बेनिफिट आई रिपीट वो लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बोलता है और वो लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेस करने के बाद जो आता है ना उसको वो लोग नेट बेनिफिट बोलता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड नेट बेनिफिट ठीक है सर अगर हम लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट लिख के आए तो फुल मार्क्स मिलेगा ये फुल मार्क्स मिलेगा बट फिर भी मैं तो इसी के फेवर में हूं कि व्हाट्स इन अ नेम ठीक है व्हाट्स इन अ नेम मेरा नाम बचपन में विशाल था ठीक है फिर पता नहीं मेरी मम्मी को आई थिंक संजय गांधी से बहुत इम्प्रेस्ड हुई और उन्होंने मेरा नाम चेंज करके संजय कर दिया समवेयर इन क्लास टू और थ्री हाउ डज़ इट मैटर आई वुड हैव है विशाल सराफ और संजय सराफ इट इज़ द सेम थिंग ठीक है तो बट इट इज़ बेटर डेट जहाँ जो फिट करता है वही यूज़ करें तो सी इंस्टीट्यूट जिंदाबाद हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और नेट बेनिफिट बोलेंगे इज इट ओके हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और नेट बेनिफिट बोलेंगे तो सर आपने इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन क्यों दिया इसलिए दिया बिकॉज अगर मैं इस तरह से बोलता तो आपको अच्छा नहीं लगता क्यों इसको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फिर नेट बेनिफिट बोल रहे हैं तो मेरे को तो जस्टिफाई करना पड़ेगा ना एक बार चीजों को ठीक है ना ओके okay. चलिए तो इसको लिख के कर लें एक बार इसको लिख के करते हैं प्रॉपरली इस सम को इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट प्रपोजल इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट प्रपोजल पर्टिकुलर अमाउंट वापस कर लेना भाई पर्टिकुलर अमाउंट तो एक्सपेक्टेड सेल्स छह लाख लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फोर लैख एट्टी वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड जो है उसको ये लोग बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर बैड डेट चुपचाप इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोल सकते थे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है लेस बैड डेट एक्सपेंस तो टेन परसेंट ऑफ छह लाख साठ हजार एक्सपेक्टेड पीबीटी साठ हजार लेस टैक्स एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट अठारह हजार तो एक्सपेक्टेड पैट फोर्टी टू थाउजेंड लेस ऑपर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवल्स ऑपरचुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवल्स इसको सर हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं क्या यस yes, कर सकते हैं कैसे करेंगे डायरेक्टली जो कॉस्ट लग रहा है यानी फोर लैख एट्टी इन जितने दिन के लिए लग रहा है वन बाई ट्वेल्व इनटू जो रेट है बीस परसेंट तो यू कैन सी फोर लैखंड इंटू वन बाई टेस परसेंटली कर सकते हो फोर लैख एंड इंटू वन बाई ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी परसेंट एंड आई रियली 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 वॉन्ट देट लोग को समझ में आई जो ब्राकेट में जो कॉस्ट निकल रहा है ये एक महीने का निकल रहा है या पूरे साल का लेटमी आस्क यू बिकॉज मेरे को मजा आएगा गलती करेंगे तो ये जो निकल रहा है कॉस्ट ये एक महीने का कि पूरे साल का ये जो निकल रहा है एक महीने का कि पूरे साल का वेरी गुड मेघा आई एम प्राउड ऑफ यू यशराज रॉन्ग किया आपने फिर से विक्रमजीत करेक्ट प्रतिका करेक्ट लक्ष्य करेक्ट अमन करेक्ट ये पूरे साल का है टेटू दिस ऑन यूर फोर हेड प्लीज टैटू दिस अपने फोर हेड पे लगा लो या तो यह एक महीने का कब होता अगर हम लोग बोलते कि चार लाख अस्सी हजार जो है वो हमारा फंड ब्लॉक्ट है तो चार लाख अस्सी हजार हमारा फंड ब्लॉक्ट नहीं है भाई चार लाख अस्सी हजार तो एक तरह से पीएल अकाउंट में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है इट्स अ फ्लो वेरिएबल फ्लो वेरिएबल ठीक है दोस्तों वो चार लाख अस्सी हजार ऐसा नहीं कि एक फर्स्ट अप्रैल को चार लाख अस्सी हजार ब्लॉक्ट हो गया ठीक है फिर वो एक महीने बाद इट इज नॉट दैट वे सेल होते जा रहे हैं कलेक्ट होते जा रहे कैसे समझा लेट मी एक्सप्लेन दिस वे यश राज को ठीक है हां चलो यश राज समझो फर्स्ट अप्रैल को पचास हजार का माल बेचे कब कलेक्ट होगा एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ माने अप्रैल के एंड में पचास हजार कलेक्ट हो गया तो पूरा पचास हजार डेटस था हमारा अप्रैल में फंसा हुआ था ठीक है वापस से पचास हजार का माल बेचे फर्स्ट मे को कब कलेक्ट होगा मे एंड में तो पचास हजार फिर से हमारा फंसा हुआ है वापस से फर्स्ट जून को पचास हजार का माल बेचे एंड ऑफ जून कलेक्ट हुआ फिर से फर्स्ट जुलाई को पचास का माल बेचे एंड ऑफ जुलाई कलेक्ट हुआ तो ऐसे करके हमने छह लाख का माल साल में बेच दिया पर हमारा जो अटका हुआ था वो तो पचास ही था और पचास हजार में तो प्रॉफिट एलिमेंट था तो जाहिर है जो अटका हुआ था वो चालीस ही था जो अटका हुआ था वो तो चालीस जारी था बताइए यशराज क्लियर है क्या और कैसे खोल के क्लियर करूं आई डोंट अंडरस्टैंड कि पूरे साल का सेल्स पचास 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 पचास, पचास करके छह लाख पर हमारा अटका हुआ जो है वो पचास ही है तो मेरे को पचास हजार जो है उसी का फंडिंग कॉस्ट बीस परसेंट पर पचास तो प्रॉफिट एलिमेंट है तो उसको चालीस हजार बोल रहे हैं ठीक है तो समझो अगर ये कंफ्यूज करता है आपको वन बाई ये कंफ्यूज करता है तो प्लीज पहले इसको अलग से निकाल लेना दिस इज डेटर्स एट कॉस्ट यही पैसा अटका हुआ है और इसके पैसे का साल का ब्याज पर एनम ब्याज ओके तो ये पर एनम ब्याज निकल रहा है

नेट बेनिफिट नेट बेनिफिट को काश आप एनपीवी समझे थर्टी फोर थाउजेंड नो डाउट अबाउट इट नेट बेनिफिट एनपीवी है ठीक है बट जस्ट प्रेजेंट वैल्यू नहीं हो रहा है इसलिए बोल नहीं पा रहे थर्टी फोर थाउजेंड यह एनपीवी तो है बट यहां पीवी का बात ही नहीं है इसलिए ठीक है इट इज नेट बेनिफिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला पार्ट लेस करके जो आता है नेट बेनिफिट थर्टी फोर थाउजेंड ठीक है, लिख दो सिंस नेट बेनि टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द कस्टमर एक्स लिमिटेड शुड अग्री टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द कस्टमर एक्स लिमिटेड शुड अग्री टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द कस्टमर एक्स लिमिटेड शुड अग्री टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द कस्टमर चलिए एक बार खुद से लीड करने के लिए आप लोग एक सम सॉल्व कर लीजिए जो एग्जाम में काफी बार आया हुआ है मतलब ह्यूज नंबर ऑफ टाइम्स एट द सम हैज कम इन द एग्जाम तो एक सम वैसा आप लोग कर लीजिए पेज नंबर 111 क्वेश्चन नंबर सिक्स पेज 111 क्वेश्चन नंबर सिक्स पेज 111 क्वेश्चन नंबर सिक्स पेज 111 क्वेश्चन नंबर सिक्स ये वाला क्वेश्चन ऑफ कोर्स इस सम का एक लास्ट पार्ट भी है आल्सो फाइंड द डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट वो हम लोग साथ में कर लेंगे आप लोग फर्स्ट पार्ट कीजिए ना पेज नंबर एक सौ ग्यारह क्वेश्चन नंबर सिक्स तो आई एम श्योर आप लोग उसको रीड कर रहे हैं मेरा इंटरवेंशन चीजों खराब करेगा देफ आई एम नॉट रीडिंग पेज नंबर एक सौ ग्यारह क्वेश्चन नंबर सिक्स यश राज बोल रहे एक लास्ट डाउट है पूछो यश और तुम्हारा जो प्रीवियस भी डाउट था वो खराब नहीं था वो तुम उस पर चले गए थे कैपिटल रैशनिंग पे देस नो इश्यू बढ़िया बात है जो तुम्हारे मन में आता है तुम उसको पूछ लेते हो आई लाइक दैट ज ने क्वेश्चन पूछा है कि जो इंटरेस्ट था ना एट थाउजेंड उस पर आपने टैक्स बेनिफिट नहीं लिया यशराज वो पोस्ट टैक्स लिखाया था मैंने ट्वेंटी परसेंट को मैंने पोस्ट टैक्स लिखाया था तो इनडायरेक्टली तुम ये बोल रहे हो कि जो चीज ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है उसको फिर से इन टू वन माइनस टी करू जो चीज ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है तुम उसको वापस से इन टू वन माइनस टी करने बोल रहे हो कि बीस परसेंट सपोज सर इंटरेस्ट रेट है और तीस परसेंट टैक्स रेट है तो बैंक से अगर 20 परसेंट का लोन लेते हैं तो हमारा तो 20 इंटू पॉइंट सेवन फोर्टीन जाता है तो 20 ऑलरेडी पोस्ट टैक्स था ओके अंडरस्टूड चलिए आप लोग आगे इसका फर्स्ट पार्ट कीजिए नेट बेनिफिट निकालिए फटाफट और यश बुरा मत मानना कभी अगर मैंने वैसे बोल दिया ना के आज कुछ तूफानी करते वगैरह डोंट माइंड इट प्लीज इट इज जस्ट टू इंश्योर दैट आप और ज्यादा समझ जाओ कि कहीं कहीं पे एग्जाम में कैसे सोचना है ओके okay, डाइवर्ट नहीं करना इनटू इंटू वेरी एग्रेसिव एंड डिफरेंशियल सॉल्यूशन। तो आई होप आप बुरा नहीं मानो ये सा, ऐसे मेरा नाम लेके बोले उतना हक मेरे को प्लीज दे के रखो मेघा का आंसर आया वन एट सेवन फाइव विक्रमजीत का भी वन एट सेवन फाइव पॉजिटिव आया है 1875 मेगा मेघा का विक्रमजीत का जो नेट बेनिफिट है ना नेट बेनिफिट 1875 आया मेघा का विक्रमजीत का मेघा आप पहली बार क्लास कर रहे हो क्या लाइव मतलब यार डाउट्स पे रिप्लाई पहली बार कर रहे हो क्या बिकॉज आपका जो टाइटल है मोंगिया वो इसके पहले ध्यान नहीं आ रहे 1875 आंसर आया मेघा का विक्रमजीत का आई एम वेटिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स यश लक्ष्य अमन यस yes, मेघा बोल रही है फर्स्ट टाइम सर आई ऑल रिकॉर्डेड क्लासेस अप नाउ ठीक है गुड योर रिदम इज वेरी गुड इन कैलकुलेशन योर थॉट प्रोसेस आई एम प्राउड ऑफ यू कृतिका एसके क्या हुआ कहाँ गए सिंपल तो क्वेश्चन है कैसे अटक सकते हो एक लाख का सेल्स बोला है वो एक्सपेंसेस एट्टी परसेंट बोला है तो अस्सी हजार तो बचा बीस हजार बैड डेट दस परसेंट ऑफ़ एक लाख दस हजार बीस माइनस दस इज इक्वल टू दस हजार पीबीटी टैक्स पांच हजार तो बचा पैट पांच हजार और पैट अगर पांच हजार है अब

डेटस निकालेंगे तो एट्टी थाउजेंड इंटू वन पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व डेटस हो गया उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट कितना आ, 12, आ रहा है एट्टी थाउजेंड इंटू वन पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा पच्चीस सौ आ रहा है विक्रमजीत बोल रहे है। पच्चीस सौ आ रहा है तो जाहिर है पच्चीस सौ पैट आया था नहीं आई डोंट रिमेंबर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आया था क्या पैट फाइव थाउजेंड पैट आया था और पच्चीस सौ आ रहा है फाइव थाउजेंड माइनस पच्चीस सौ तो मेरा तो वर्बल आंसर पच्चीस सौ आ रहा है वन एट सेवन फाइव नहीं आ रहा है यशराज का uh, कृतिक का ही पच्चीस सौ आ रहा है लक्ष्य का ही पच्चीस सौ आ रहा है अब तो मेघा आप चेक चेक करो वन एट सेवन फाइव आपका कैसे आया था वे डिड यू मेक अ मिस्टेक मेघा प्लीज चेक कीजिए कोई सेलू मिस्टेक हो गया था आपसे स्टार्टिंग में अमन का भी 2500 आ रहा है 2500 करेक्ट आंसर है 2500 नेट बेनिफिट करेक्ट आंसर है उत्कर्ष महक यस यश ये राज अमन 2500 फाइव हंड्रेड किए मेघा वे डिड यू मेक अ मिस्टेक मिस्टेक का तो स्कोप बहुत कम दिख रहा है वन लाख माइनस एट्टी इज ट्वेंटी ट्वेंटी थाउजेंड माइनस बैड डेट टेन थाउजेंड इज टेन थाउजेंड टैक्स फाइव थाउजेंड पैट हुआ फाइव थाउजेंड उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे मिस्टेक किए क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिसाइड हो गया ना कॉस्ट पे निकालेंगे अस्सी हजार पे एक लाख पे नहीं ओ, आपने डेटर सेल्स पे ले लिया मेघा तो दो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने शुरू में वन एट सेवन फाइव जवाब दिया उन्होंने डेटर सेल्स पे ले लिया जो कि वैसे तो गलत नहीं है बट गिवन दैट ये स्टीरियो टाइप सोल्यूशन आईसीआई का नहीं करना चाहिए वैसा डेटर्स प्लीज कॉस्ट पे लेना ठीक है तो एक लाख के ऊपर डेटर्स मत निकालो 80,000 से डेटर्स निकालो 80,000 थाउजेंड इंटू वन पॉइंट फाइव बाई वो जो आया डेटर्स उसके ऊपर 25% तो 2500 फाइव सबका आंसर आ गया 2500 सबका आंसर आ गया सही है ओके okay. अब देखते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखिए लास्ट पार्ट ऑल्सो फाइंड द डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट तो जो टेन परसेंट रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट दिया हुआ था उसको भूल जाए रहा पता लगाइए दैट द कंपनी शुड बी विलिंग टू अज्यूम इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर टैक्स वे 30 परसेंट फोर्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट समझ गए तो वो बोलना चाह है दस परसेंट के बजाय कितना रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट हम लोग ले सकते थे अगर अपना आफ्टर टैक्स आर ओ आई तीस चालीस या साठ है तो, तो एक तरह से तो ब्रेकिविन पॉइंट टाइप निकालना है ना ओके okay? एक तरह से ब्रेकिविन निकालना है कि अगर तीस परसेंट है फंडिंग कॉस्ट तो उस केस में रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है जिससे कि नेट बेनिफिट जीरो आए वैसे तो पॉजिटिव चाहिए पर मैं एक बार जीरो के हिसाब से बोल रहा हूं ये क्लियर है कि सब वो एक तरह से ये पूछ रहा है बताइए ना टेन परसेंट के बदले क्या लें जिससे कि तीस परसेंट फंडिंग कॉस्ट लेने से नेट बेनिफिट जो है जीरो आए क्लियर है क्वेश्चन क्लियर है क्या क्वेश्चन क्लियर होगा क्लियर होगा तो एक चीज बताइए आप लोग अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट को एक्स मान लू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट को या एक काम करते कौन जमेला करेगा बैड डेट को एक्स मान लेते हैं जैसे बैड डेट आप लोग टेन परसेंट ऑफ वन लाख दस हजार निकाल रखे हो ना तो बैड डेट को एक्स मान लेते हैं जैसे आपने दस हजार बैड डेट निकाला है चेक कर लो अपने आंसर में आपने बैड डेट दस हजार निकाला है ना मैं बोल रहा हूं उस अमाउंट को एक्स मान लेते हैं उस अमाउंट को एक्स मान लेते हैं तो अगर उस अमाउंट को एक्स मान लेते हैं तब तो अगर आप चेक करोगे तो आपका जो प्रॉफिट आया था बिफोर द बैड डेट वो तो बीस हजार था तो बीस हजार माइनस एक्स द होल इंटू वन माइनस टी यानी द होल इंटू पॉइंट फाइव ओके बीस हजार माइनस एक्स एक मिनट कहाँ है पेन कहाँ गया

लेट दैट डेट एक्सपेंस इक्वल टू एक्स पैट इक्वल टू ट्वेंटी थाउजेंड माइनस एक्स द होल इंटू वन माइनस पॉइंट फाइव इक्वल टू टेन थाउजेंड माइनस पॉइंट फाइव एक्स ये ठीक है क्या देखिए मैंने जो पैट है ना नेट बेनिफिट नहीं पैट जो है वो पैट को इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल लिया ये ओके है क्या कृतिका महक मेघा मैंने बैड डेट एक्सपेंस को एक्स मान के पैट को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख दिए पैट को इन टर्म्स ऑफ एक्स ठीक है अब केस वन केस वन में फंडिंग रेट थर्टी परसेंट देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 80,000 थाउजेंड इंटू वन पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व इंटू थर्टी परसेंट कितना आ रहा है यस प्लीज एट्टी थाउजेंड इंटू वन पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व इंटू थर्टी परसेंट कितना आ रहा है तीन हजार दिस इज थ्री थाउजेंड देफो टेन थाउजेंड माइनस पॉइंट फाइव एक्स इक्वल टू तीन हजार सो एक्स इक्वल टू वॉट चौदह हजार एकदम करेक्ट बोला कृतिका आपने X 14,000 हजार आ रहे हैं पर अपने को रेट निकालना है देफो रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट इक्वल टू 14,000 हजार डिवाइड बाई एक लाख इंटू हंड्रेड चौदाह हजार बाई एक लाख इंटू हंड्रेड चौदह परसेंट समझ गए तो इसका मतलब द प्रोबेबिलिटी और द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट शुड नॉट एक्सीड फोर्टीन परसेंट मैक्सिमम फोर्टीन परसेंट हो सकता है इट शुड बी लेस देन दैट तो अपने को वही निकालना था कितना रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट झेल सकते हैं ठीक है फोर्टीन परसेंट जो है इट इज द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट ऑब्वियस है बाकी दोनों केसेस में तो आप निकाल ही लोगे थर्टी के बदले फिफ्टी या सिक्सटी जो भी यूज करके उसमें टेन थाउजेंड माइनस पॉइंट फाइव एक्स सेम रहेगा केवल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप अलग निकालोगे टेन थाउजेंड माइनस पॉइंट फाइव एक्स वाला पार्ट सेम रहेगा केवल ये जो तीन हजार वाला फिगर अलग आएगा और वो भी यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं वो भी यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं तीन हजार अगर तीस परसेंट पे आया तो साठ परसेंट लास्ट वाला केस पे क्या आएगा साठ छह हजार अब बीच वाला केस पचास परसेंट का था तो पाँच हजार इक्विट कर दो आ जाएगा तो कृतिका बोल रही है सर सेकेंड केस में आंसर ट्वेल्व परसेंट आ रहा है कृतिका बोल रही है सेकेंड केस में आंसर ट्वेल्व परसेंट आ रहा है कृतिका बोल रही है सेकेंड केस में आंसर ट्वेल्व परसेंट आ रहा है यस लक्ष्य भी बोई बोल रहे है सेकेंड केस में आंसर ट्वेल्व परसेंट आ रहा है महक का भी आ गया सेकेंड केस में आंसर ट्वेल्व परसेंट आ रहा है और कृतिका का थर्ड केस में आंसर एट परसेंट आ रहा है यस अमन थर्ड केस में आंसर एट परसेंट आ रहा है लक्ष्य का थर्ड केस में आंसर एट परसेंट आ रहा है लक्ष्य का ठीक है बढ़िया तो हमने रिसीबल्स मैनेजमेंट में कुछ भी नहीं सीखा टीच अ सिंगल वर्ड मैंने केवल एक वार्म से स्टार्ट किया और कुछ ना कुछ कॉमन सेंसिकल थॉट प्रोसेस आपके माइंड में छेड़ दिया एंड आई वॉज स्मार्ट इनफ कि मैंने जानबूझ के जो अप में एग्जाम्पल लिया वो ऐसा लिया जिसका सम भी एग्जाम में आता हो सो दैट वार्म अप में भी अपना टाइम वेस्ट नहीं हो ठीक है एड एज यूजल हम लोग डिस्कशन ज्यादा करते हैं क्योंकि मैं आप लोग को बोलने का मौका देता हूँ आप लोग को रिप्लाई करने का मौका देता हूँ जिससे आपका दिमाग चले ओके okay? तो क्लासेस में भी जो प्री रिकॉर्डेड कर रहे हैं वो उसी को क्लासेस अच्छा लगेगा जो उस समय खुद से वैसे वैसे सोच रहे ठीक है ना तो वन वे ट्रैफिक क्लास को नहीं चला रहे हैं इट्स ऑलवेज इट्स लाइक फेस टू फेस इमेजिन होके क्लास चल रही है ठीक है ना ओके, नाउ हैविंग सेड दैट थोड़ा सा भूमिका बना लेते हैं चलिए जैसे कि चैप्टर ठीक से इंट्रोड्यूस हो टेल मी समथिंग, गिवन अ चॉइस, अ फर्म वुड लाइक टू सेल गुड्स ऑन कैश और क्रेडिट गिवन अ चॉइस, पहला फीलिंग क्या आएगा यू वुड लाइक टू सेल गुड्स ऑन कैश और क्रेडिट ऑब्वियसली कैश ओके कैश में बेचने का पहला फीलिंग आएगा भाई पैसा अभी दे बट ड्यू टू कॉम्पिटिशन कि बाकी लोग ड्यू टू ट्रेडिशन कि हमारे इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है क्रेडिट सेल्स किया जाता है ओके क्रेडिट सेल्स किया जाता है क्रेडिट सेल्स करने से ही सेल्स हो पाता है सेल्स बढ़ पाता है ठीक है सेल्स बढ़ पाता है पर क्रेडिट सेल्स करने के चलते क्रेडिट सेल्स करने की वजह से चार तरह का नया कॉस्ट इंट्रोड्यूस होता है आई रिपीट क्रेडिट सेल्स की वजह से चार तरह का नया कॉस्ट इंट्रोड्यूस होता है जिसमें से दो कॉस्ट इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा था मैं बोला क्रेडिट सेल्स की वजह से चार तरह का नया कॉस्ट होता है जो कैश कैश सेल्स में नहीं होता है क्रेडिट सेल्स में चार तरह का नया कॉस्ट होता है जो कि कैश सेल्स में नहीं होता है इस सब में वैसा दो कॉस्ट था कौन कौन सा कौन कौन सा कौन कौन सा ऐसा कॉस्ट था इस वार्म में यस विक्रमजीत का आंसर आ गया जो कि कैश सेल्स में कॉस्ट नहीं होता है कौन कौन सा दो -तो कॉस्ट था वार्म अप एग्जाम्पल में जो कि कैश सेल्स में नहीं होता है वेरी गुड सर बैड एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बैड डेट कैश सेल्स में कैसे होगा पैसा मिल गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे होगा बिकॉज पैसा मिल गया तो फंड ब्लॉक नहीं हुआ ठीक है तो बैड डेट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत अच्छे बैड डेट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये दो कॉस्ट क्रेडिट सेल्स की वजह से होता है ठीक है पर मैंने बोला टोटल चार ऐसा कॉस्ट है जो क्रेडिट सेल्स की वजह से होता है इस में बाकी दोनों कैप्चर्ड नहीं हुआ ठीक है सुन लेना क्या एक होता है कैश डिस्काउंट टू इंटाइस प्रॉम्प्ट पेमेंट लिखना मत अभी डिस्कशन हो रहा है कैश डिस्काउंट टू इंटाइस प्रॉम्प्ट पेमेंट सॉरी फॉर द डिफिकल्ट इंग्लिश लैंग्वेज इसको हिंदी में कैसे बोलूं कैश डिस्काउंट जो हम लोग देते हैं कस्टमर्स को ललचाने के लिए कि जल्दी पैसा दे कैश डिस्काउंट जो हम लोग देते हैं कस्टमर्स को ललचाने के लिए कि जल्दी पैसा दे और ये आप दूसरे चैप्टर पढ़े हुए हो कौन सा पेबल्स मैनेजमेंट ये दूसरे चैप्टर में दूसरे साइड से पढ़े हुए हो पेबल्स मैनेजमेंट याद है टू बाई टेन नेट थर्टी टू बाई टेन नेट थर्टी टू बाई टेन नेट थर्टी कैसे भूल सकते हैं यानी एक्स लिमिटेड कस्टमर्स को बोल रहा है कि भाई तुम लोग को तीस दिन में पैसा देना है क्रेडिट पीरियड तीस दिन में ठीक है तीस दिन में पैसा देना है पर अगर आप दस दिन के अंदर देते हो तो दो परसेंट डिस्काउंट टू बाई टेन नेट थर्टी टू बाई टेन नेट थर्टी के तीस दिन में पैसा देना है पर अगर दस दिन में पैसा दिए तो दो परसेंट डिस्काउंट याद होगा किसी ने किया ही नहीं होगा तो अलग बात है तो फिर वो प्रेस सुन ले टू बाई टेन कॉमन नेट थर्टी इसका मतलब थर्टी डेज का क्रेडिट पीरियड है तीस दिन में पैसा देना पर अगर दस दिन में दिए तो दो परसेंट डिस्काउंट ठीक है ओके अगर दस दिन में दिए तो दो परसेंट डिस्काउंट तो इसका मतलब जनरली मोस्ट फर्म्स जो लोग क्रेडिट पे माल बेचते हैं उनका इस तरह का स्कीम होता है जनरली। किसी का नहीं है तो अलग बात हो सकता है किसी कंपनी का स्कीम है नेट थर्टी खास बात कोई डिस्काउंट का झमेला नहीं है नेट थर्टी यानी तीस दिन में पैसा देना है, ठीक है बट यूजली टू बाई टेन नेट थर्टी हुआ तो उस केस में ओके लेसन केयरफुली लेसन केयरफुली लेसन केयरफुली अगर जो हम लोग वार्म में सम किए थे कुछ भी लिखना नहीं है अभी कुछ भी लिखना नहीं है पच्चीस सौ बार चिल्ला के बोल रहा हूं लिखना नहीं है अभी मत लिखना प्लीज ये वार्म वाले सम में अगर ऐसा होता कि टू बाई टेन नेट थर्टी जैसा चीज होता और सब में लिखा रहता इट इज एक्सपेक्टेड दैट 60 परसेंट ऑफ द टाइम सिक्स जीरो सिक्सटी परसेंट ऑफ द टाइम दिस कस्टमर विल पे विद इन द डिस्काउंट पीरियड एंड अवेल द डिस्काउंट 60 परसेंट ऑफ द टाइम दिस कस्टमर विल पे विद इन द डिस्काउंट पीरियड अवेल द डिस्काउंट तो डिस्काउंट एक्सपेंस क्या होता छह लाख का पूरे साल में सेल्स करते 60 परसेंट बार अगला 10 दिन के अंदर पे करके 2 परसेंट डिस्काउंट एंजॉय करता तो डिस्काउंट खर्चा एक्सलिमिटेड को क्या बियर करना पड़ता निकालो 6 लाख का सेल्स होता पूरे साल में 60 परसेंट बार वो पे कर देता दसवें दिन के अंदर और 2 परसेंट डिस्काउंट एंजॉय करता सबका आंसर आ गया 7200 सात हजार दो सबका आंसर आ गया सात हजार दो सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड वेरी गुड सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड विक्रमजीत लक्ष्य मेघा कृति कृतिका कृ, गीतिका महक यस छः लाख का सिक्सटी परसेंट का टू परसेंट जिनका बाई चांस नहीं आया हो छः लाख का सिक्सटी परसेंट का टू परसेंट बिकॉज सारे सेल्स को वो दस दिन के अंदर नहीं पे करेगा ठीक है सिक्सटी परसेंट टाइम दस दिन के अंदर पे करेगा यानी तीन लाख साठ हजार का ऐसा सेल्स है जो दस दिन के अंदर पे करेगा और वहां पर दो परसेंट डिस्काउंट so, तीन लाख साठ का दो परसेंट सात हजार दो सो इज इट ओके ये यही बढ़िया चीज है इस चैप्टर में कि इस चैप्टर में सभी चीज लगता है हाँ ठिकित तो हुए हाँ तो है वैसा वाला बात है ठीक है सात हजार दो सो तो सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड डिस्काउंट एक्सपेंस तो अगर वो होता अगर वो होता तो हम लोग जब ये निकाले थे ना सीओजीएस लेस किए तो हम लोग को लिखना पड़ता प्रॉफिट बिफोर बैड डेट एंड डिस्काउंट ओके प्रॉफिट बिफोर बैड डेट एंड डिस्काउंट फिर बैड डेट लेस करते डिस्काउंट लेस करते तो पीबीटी आता बैड डेट लेस करते डिस्काउंट लेस करते तो पीबीटी आता सात हजार दो सौ भी लेस करते फिर पीबीटी आता उसको पोस्ट टैक्स करते इट इज ठीक है ना ओके तो आपको तीन कॉस्ट क्रेडिट सेल्स का पता चल गया तीनों का नाम बताइए कैश सेल्स में जो कॉस्ट नहीं लगता है पर क्रेडिट सेल्स में वो कॉस्ट लगता है ऐसा तीन कॉस्ट पता चल गया तीनों का नाम बताइए कैश सेल्स में जो कॉस्ट नहीं लगता है क्रेडिट सेल्स में कॉस्ट लगता है ऐसा तीन कॉस्ट का नाम बताइए स बैड डेट ऑपर्चुनिटी कॉस्ट कैश डिस्काउंट बैड डेट ऑपर्चुनिटी कॉस्ट कैश डिस्काउंट यह कैश सेल्स पे नहीं लगता है यह क्रेडिट सेल्स पे लगता है बैड डेट ऑपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैश डिस्काउंट आपको क्या लगता है एग्जाम में इन तीनों में से कौन सा रोंग होने का चांसेस है इन तीनों में से एग्जाम में रोंग होने का कौन सा चांसेस है बैड डेट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कैश डिस्काउंट इन तीनों में से कौन सा लगता है कि रॉन्ग होने का चांसेस है बैड डेट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कैश डिस्काउंट मैं तो विश कर रहा था काश आप लोग का जवाब आए कुछ नहीं मैं तो विश कर रहा था काश आपका जवाब आए ऐसा कोई रॉन्ग नहीं होगा बट फिर भी डिस्काउंट जवाब गॉड बैड डेट का भी जवाब आया है कैश डिस्काउंट का भी जवाब आया है अवनीत बैड डेट कैसे रॉन्ग होगा अगर वो बोल रहा है टेन परसेंट बैड डेट तो जितना का माल बेचे छ लाख टेन परसेंट ऑफ एक्सप्लेन करना छह लाख का सेल्स कर रहे हैं वो बोला है टेन परसेंट चांस ऑफ नॉन पेमेंट आई डेंट अंडरस्टैंड अवनीत बैड डेट कैसे रॉन्ग होगा कैश डिस्काउंट भी पता नहीं आप लोग तो सात हजार दो सौ एकदम कूद के बता दिए थे छह लाख का सिक्सटी परसेंट तीन लाख साठ पे डिस्काउंट होगा दो परसेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर बाई चांस रॉन्ग कर सकते हैं एसपी की वजह से पता नहीं क्या बोल रहे एनी वेज सो ऑपरचुनिटी कॉस्ट में मिस्टेक कर सकते हैं और वैसे बता दूं अगर कोई बंदा यश राज करना मत कोई बंदा नोट में लिख के आता है ना मैं डेटर्स को सेल्स पे ले रहा हूँ मैं डेटर्स को सेल्स पे ले रहा हूँ ठीक है तो और उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग आएगा फुल मार्क्स मिलेगा ठीक है बट यशराज प्लीज करना मत डेटर्स बड़े जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो सेल्स पे मत लेना कॉस्ट पे लेना ठीक है एडवाइज है बट अगर कोई बंदा एकदम डट जाए नहीं हम करेंगे ही ऐसा ठीक है हम अपना वो नोट लिख के आएंगे तो इन दैट केस किसी का माइकल लाल का दम नहीं है कि रॉन्ग कर देगा ठीक है ना ओके okay. सो uh, so, तीन कॉस्ट हुए चौथा वाला कॉस्ट बता रहे हैं चौथा वाला कॉस्ट सुनिए चौथा वाला कॉस्ट है अगर तुम क्रेडिट सेल्स पे माल बेचोगे तो उन लोग का लेजर मेंटेन करना पड़ेगा क्रेडिट सेल्स पे माल बेचेंगे तो क्या उनका लेजर मेंटेन करना पड़ेगा हाँ सर क्या उनको फॉलोअप करना पड़ेगा ड्यूज के लिए क्या उनको फॉलो अप करना पड़ेगा ड्यूज के लिए यस फॉलो अप करना पड़ेगा ड्यूज के लिए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लीगल डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कीपिंग डिपार्टमेंट बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही है ऑन अ लार्ज स्केल ओके अगर सोचे पांच सौ करोड़ हजार करोड़ ओके okay, पचास हजार करोड़ का क्रेडिट सेल्स हो रहा है उसको एडमिनिस्टर करना इतना आसान थोड़ी है उसको एडमिनिस्टर करना आसान नहीं है इसका मतलब यस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट उसको जो भी नाम से बोल दे सम कॉलेट कलेक्शन कॉस्ट सम कॉलेट मॉनिटरिंग कॉस्ट सम कॉलेट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ठीक है आप जो भी कॉस्ट बोल लीजिए कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी तो लगेगा ही ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी तो लगेगा ही ठीक है पर्टिकुलरली क्रेडिट सेल्स की वजह से तो चार तरह के कॉस्ट क्रेडिट सेल्स की वजह से लगते हैं ये चारों के चारों एक ही सम में मौजूद नहीं होते हैं होने को हो भी सकते हैं कोई कोई सब में होते हैं कोई कोई सब में नहीं तो फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप थोड़ा सा नोट्स लिख रहे हैं जिससे कि केवल ये नहीं लगे वार्म अप के बाद तो कुछ किए ही नहीं ठीक है लिखिए प्लीज लेट्स राइट डाउन लेक्चर नोट्स given a choice a firm would like to sell in cash dash not on credit given a choice a firm would like to sell in cash dash not क्रेडिट एज्यूम करो आपने लिख लिया है इनकेस किसी से मिस हो जाए इंटरनेट स्पीड की वजह से तो बाद में कॉपी कर लीजिएगा हवेव ड्यू टू कॉम्पिटिशन एंड ट्रेडिशन फर्म्स आर फर्म्स आर फोर्स्ड टू सेल ऑन क्रेडिट ड्यू टू कॉम्पिटिशन एंड ट्रेडिशन परंपरा ओके मोहब्बती मूवी अमिताभ बच्चन हावर ड्यू टू कॉम्पिटिशन एंड ट्रेडिशन फर्म्स आर फोर्स्ड टू सेल ऑन क्रेडिट ड्यू टू कॉम्पिटिशन एंड ट्रेडिशन फर्म्स आर फोर्स्ड टू सेल ऑन क्रेडिट इच्छा नहीं होते हुए भी क्रेडिट पर माल बेचना पड़ता है अफकोर्स दिस इंक्रीजेज फर्म्स Contribution or GP, but it also leads to the following costs. Of course, this increases the firm's contribution or a GP. मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन और ग्रॉस प्रॉफिट सिनोनिम से पर किसी किसी सम में कॉन्ट्रीब्यूशन का डिटेल्स है किसी किसी सम में वेरिएबल फिक्स कॉस्ट दोनों बढ़ता है तो ग्रॉस प्रॉफिट का डिटेल्स है तो मेरे को उस सेंस में लिखना पड़ा ऑफ कोर्स दिस इंक्रीजेस द फर्म्स कॉन्ट्रीब्यूशन और जीपी जैसे अपने सम में वार्म अप में बीस हजार रुपया बढ़ रहा था एक लाख माइनस अस्सी बीस हजार नहीं छह लाख माइनस फोर एट्टी एक लाख बीस का फायदा हुआ था बट इट ऑल्सो लीड्स टू द फॉलोइंग ओके दिस इंक्रीजेज द फॉर्म्स कंट्रीब्यूशन ऑफ जीपी बट इट आल्सो लीड्स टू द फॉलोइंग कॉस्ट्स नंबर ए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट उसपे कुछ एक्सप्लेन करके टाइम वेस्टों का बोलना नंबर बी बैड डेट नंबर सी कैश डिस्काउंट तो कैश डिस्काउंट जो है टू बाई टेन नेट थर्टी लिखने से याद आ जाएगा नंबर डी ऑपरचुनिटी कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स इनटू एसीपी बाय 360 और 365 और बाय 12 इनटू रेट ये ओके okay है क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स जैसे अपने सामने चार लाख अस्सी हजार था जो बुक का सम किया उस पर अस्सी हजार था इंटू जो ए सी पी बुक के सम में डेढ़ महीना था तो मैंने महीना था तो वन पॉइंट फाइव बाई ट्वेल्व किया मेरे वाले सम में एक महीना था तो वन बाय ट्वेल्व किए बट क्या पता किसी सम में डेज हो एवरेज कलेक्शन पीरियड अठारह दिन बोलेगा तो अठारह बाई तीन सौ साठ या तीन सौ पैंसठ वो तो सदैव का झमेला चल रहा आपको पता ही है ठीक है इन रेट रेट माने कौन से रेट के सी हो गया ना इंटू रेट 20 परसेंट या 25 परसेंट या 18 परसेंट आर क्या चल रहा है नोट्स पूरा समझ में आ रहा होगा बिकॉज साथ में अपने वार्म से इस नोट्स का फीलिंग उठाए ठीक है नोट समझ में आ रहा होगा बिकॉज वार्म अप से हमने इस नोट्स का फीलिंग उठाया है इट इज नॉट जस्ट प्योर इंग्लिश लैंग्वेज गोइंग ऑन इस पार्ट को सर्कल कर दे। ये हुआ डेटर्स एट कॉस्ट डेटर्स एट कॉस्ट और फिर इसको और स्मॉल सर्कल कर दे इसको बिकॉज कुछ सम्स में होगा लिख दे इन सर्टन सम्स इन सर्टन सम्स अंकिता बीच में मैं क्या बोलूं आपको अंकिता बोल रहे हैं कि मैंने रिसेंटली क्लासेस परचेस की है क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐप में दिया हुआ है फुल हाँ दिया हुआ है फुली ध्यान रहे अंकित टाइम वैल्यू ऑफ मनी अपने करिकुलम में नहीं है अपने सिलेबस में नहीं है टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है फाउंडेशन में था बट करने से फायदा होता है जो एक क्लास या दो क्लास दी हुई है ठीक है तो वैसे वो यूट्यूब पे भी है अपने ऐप पे भी दी हुई है टोटल पर अंकित अभी बीच में आपसे इंटरेक्शन करना पॉसिबल नहीं है क्लास करते समय बिकॉज बाकी लोग भी तो बैठे हैं ना तो आप माइंड मत कीजिएगा इनकेस आपने वापस से कुछ मैसेज किया इस विषय में तो मैं इग्नोर करूंगा एक बार ठीक है ना सौम्या करके सौम्या एट एस एस सी आई डॉट को डॉट इन नंबर याद नहीं आ रहा है आप उस पर पूछ सकते हैं सौम्या का नंबर होगा आपको जो एडमिशन uh, के टाइम पे मिला था मेलर तो उस पर आप उनसे पूछ सकते हैं अगर आपको मिल रहा नहीं है तो ठीक है ओके okay. क्या लिखा मैंने एरोखे इन सर्टन सम्स एरो इनसर्टन सम्स इनसर्टन सम्स वी टेक सेल्स इनस्टेड ऑफ कॉस्ट वी टेक सेल्स इंस्टेड ऑफ कॉस्ट टेक सेल्स instead ऑफ कॉस्ट सेल्स instead ऑफ कॉस्ट ठीक है ना और एक चीज ध्यान आ रहा था जस्ट माइंड में स्किप हो रहा है ओके okay, अंकित के जस्ट बोलने के पहले ध्यान आया था क्या तो एक चीज और बोलने वाला था नहीं लेट इट बी, आएगा ध्यान वापस आ जाएगा सो so, ये चार कॉस्ट हो गए पैरा चेंज पैरा चेंज अब लिखिए टाइप्स ऑफ सम्स ऑल दो मन नहीं चाहता है एज अ टीचर ये हेडिंग कभी भी लिखाना बिकॉज जो भी टीचर ऐसे टाइप्स ऑफ सम्स लिखाते हैं ना टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री ये बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड मैकेनिकल वे ऑफ टीचिंग है बट कांट हेल्प अगर ऑन द होल्स ये इंटर है और उस पर पचास नंबर का एफ एम है और उस एफ एम के अंदर कैब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसे बड़े बड़े चैप्टर्स है और उनके अंदर से एक छोटा सा स्वीट सा चैप्टर है रिसिबल्स मैनेजमेंट और उस पर अपने टाइप्स ऑफ सम्स ये सब का नहीं करे तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट इतना ज्यादा झेल रहा है ना अकाउंट्स डेट डी टी आई डी टी ओके लॉ ऑडिट वो थोड़ा सा फैल जाएगा ठीक है तो ऑल दो दिस इज नॉट माई हैबिट बट आई हैव टू डू इट इन सर्टन चैप्टर्स डोंट जज मी फॉर दैट अगर कोई बहुत परफेक्शनिस्ट स्टूडेंट यहां बैठा हुआ टाइप्स ऑफ सम्स में टाइप वन क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजन तो क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजन मतलब क्रेडिट दे या नहीं दे क्रेडिट दे या नहीं दे क्या आप लोग एक्नॉलेज करते हैं कि इसका सम हमने आज क्लास में किया क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजन क्रेडिट दे या नहीं दे, इसका सम आज हमने क्लास में किया क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजन बहुत बढ़िया आई एल कम टू इट इसका दो सम्स है दो तरीके का सम्स है एक तरीके का हो गया और वो मोस्ट फ्रीक्वेंट है एक और तरीके का है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वो भी आज ही कर लेंगे बिकॉज जब हो गया तो टाइप वन खत्म करते ना तो आई कम टू टाइप वन इन सम टाइम टाइप टू ऑप्टिमल क्रेडिट पॉलिसी ऑप्टिमल क्रेडिट पॉलिसी इसका मतलब स हम लोग टू बाई टेन नेट थर्टी रखे या टू बाई फिफ्टीन नेट फिफ्टी रखे टू बाई टेन नेट थर्टी या टू बाई फिफ्टी नेट फिफ्टी टू बाई टेन नेट थर्टी या टू बाई फिफ्टीन नेट फिफ्टी प्राइम ऑफ एशिया टू बाई फिफ्टीन नेट फिफ्टी खराब लग रहा होगा बिकॉज सब पंद्रह दिन में देने से भी दो परसेंट दे रहे हैं आप वहाँ पे दस दिन में और पचास दिन का पीरियड दे रहे हैं तो टू बासेंट डिस्काउंट अब टू बाई फिफ्टीन नेट फिफ्टी पचास दिन का पीरियड दे रहे हैं और पंद्रह दिन के अंदर दे रहे दो परसेंट डिस्काउंट खराब तो लग तो 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 रहा होगा किस सेकेंड वाला खराब है बट ये जो अपने खराब लग रहा है ये कस्टमर्स को कैसा लगेगा ये जो अपने को खराब लग रहा है एक्सलमिटेड को ये कस्टमर्स को बाजार में कैसा लगेगा ऑब्वियसली अच्छा कि देखो ये कंपनी जो है पचास दिन का क्रेडिट पीरियड देता है और पंद्रह दिन के अंदर डिस्काउंट देता है करेक्ट है तो इसकी वजह से कस्टमर्स लोग हम लोग के पास ज्यादा जाएंगे एज कंपेयर टू टू कंपेटेटर्स या हम लोग से हट के कंपेटेटर्स के पास ज्यादा जाएंगे अगर हम लोग टू बाई फिफ्टी नेट फोर्टी फाइव करते हैं नेट uh, 50 तो कस्टमर्स लोग हम लोग के पास ज्यादा आएंगे कि हम लोग से जाएंगे हमारे पास आएंगे तो हमारे पास आएंगे तो सेम राम कहानी सेल्स ज्यादा होगा सेल्स ज्यादा होगा तो जीपी या कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा बट कंट्रीब्यूशन ज्यादा होने के बाद प्रॉब्लम क्या है बैड डेट ज्यादा होगा कैश डिस्काउंट ज्यादा होगा ठीक है क्या पता एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी ज्यादा लगे ठीक है ऑपरचुनिटी कॉस्ट ज्यादा होगा तो वी डोंट नो क्या होगा उसका सम्स आने वाला है ना समझ गए तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर आपका जो बैड डेट है डिस्काउंट है एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या पता नेट बेनिफिट कौन से में ज्यादा आएगा सम समझ गए होगे सम्स कैसा होगा सम्स कैसा होगा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा वो लोग बोलेगा कि अगर टू बाई टेन नेट थर्टी करते तो सेल्स होता है बीस लाख पर टू बाई फिफ्टी नेट फोर्टी नेट फिफ्टी करेंगे तो सेल्स होगा पच्चीस लाख बीस लाख पच्चीस लाख रेशियो बोलेगा पच्चीस परसेंट ठीक है वगैरह वगैरह तो इन दैट केस अपने को नेट बेनिफिट दोनों में निकालना पड़ेगा आपको एक बार मन में अगर समझ में आ गया हां सर समझ में आ रहा है किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो दैट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट बिकॉज आपको पूरे चैप्टर का एक होता है ना एक जगह जाना डेस्टिनेशन उसका पूरा रास्ता समझ में आ गया मैप वाइज थ्री समाइनेसिंग रिसीवेबल्स फाइनेंसिंग रिसिवल्स ओके मेघा इज सेंग बट इफ वी सेल ओनली टू क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स देन बैट डेट रिस्क विल बी लो इवन द मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर कैन डिफॉल्ट ठीक है अगर बहुत ज्यादा कुछ अनसर्टेंटी हो जाए तो तो बैड डेट रिस्क विल बी लो आपने बोला क्या पता वन परसेंट चलो मान लेते हैं तो मेघा ने बोला सर हम लोग क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को ही बेचेंगे तो बैड डेट रिस्क विल बी लो ट्रू तो चलो मान लेते हैं वन परसेंट तो मैं बोलना चाह रहा हूं अगर हम लोग टू बाई टेन नेट थर्टी करते तो बीस लाख का सेल्स होता तो बैड डेट होता बीस लाख का वन और अगर अपने पच्चीस लाख का सेल्स करेंगे टू बाई नेट फिफ्टी पे तो पच्चीस लाख का वन ना तो बैड डेट तो फिर भी बढ़ रहा है बिकॉज इट्स अ परसेंटेज ऑफ समथिंग ना दैट समथिंग इज गोइंग बैड डेट का अमाउंटो गो क्लियर मेघा तो मेघा का बोलना था क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को बेचेंगे तो उसकी वजह से तो बैड डेट का रिस्क लो ही रहेगा रिस्क लो रहेगा वन परसेंट बट अमाउंट तो बढ़ेगा ठीक है ना ओके चलिए बढ़िया बात तीसरा वाला मैंने लिखा है फाइनेंसिंग रिसिवल्स फीलिंग आ रहा है फाइनेंसिंग रिसिबल्स से फीलिंग आ रहा है क्या टाइप थ्री मैंने लिखा है फाइनेंसिंग रिसीबल्स फाइनेंसिंग रिसीबल से फीलिंग आ रहा है क्या थर्ड वाला मैंने लिखा है फाइनेंसिंग रिसीबल्स आर यू गेटिंग द फीलिंग्स प्लीज शेयर द फीलिंग्स उसको कुछ लिख के व्यक्त कीजिए फाइनेंसिंग रिसीबल्स बोल रही है प्लेजिंग एंड ऑल सिंपल रखते हैं ना कि भाई अल्टीमेटली जो डेटर्स का पैसा है ना वो कहां से आएगा वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे 22 बाईसेंट पच्चीस ना अल्टीमेटली वो कहा से आएगा वो पैसा फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बात हो रहा है तो उसमें एक टॉपिक होता है फैक्टरिंग एफ एस सी टी ओ आर आई एनजी फैक्टरिंग जिसमें अगर मैं एक बार इनफॉर्मली बोलू बिकॉज मैं कौन सा डिटेल्स में जा रहा हूं तो बेसिकली गुंडों को लगा देते हैं ठीक है गुंडों को कि भाई तुम कलेक्ट कर देना तो ये लोग से यानी अपने माल बेचते जाए और गुंडों को लगा दे तो एक गुंडो की कंपनी को इट्स अ वेरी बैड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग बट लेट मी सोचो एक आ, आ, कोई गुंडा पार्टी को या जिसको भी लगा दिया है कि हम जो भी माल बेचेगा ना भाई कलेक्ट तेरे को करना है ठीक है कलेक्ट तेरे को करना है तेरे को कमीशन देंगे कमीशन देंगे ठीक है प्लस अगर ते पहले से एडवांस करेगा तेरे को थोड़ा ब्याज भी देंगे कलेक्शन एजेंट ठीक है वो सब चीज होने वाला है उसके अलावा जो कृतिका ने प्लेजिंग वगैरह बोला वो भी होने वाला है ठीक तो we'll है तो डिस्कस ऑल दैट तो मोटा मोटी तीन तरह के सम्स हैं तीन तरह के सम्स है टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री जिसमें से टाइप वन जो क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजन है उसका एक चोमो वाला सम हो गया उसका एक चोमो वाला सम हो गया और एक नॉन चोम वाला सम और कर लेते हैं ठीक है दैट्स अ गुड अचीवमेंट फॉर द क्लास कि आपको पिकअप हो गया यू आर कंफर्टेबल टॉपिक समझ में आ गया ठीक है वार्म अप हो गया यू हैव बीन एबल टू कैलकुलेट एंड एट द सेम टाइम अपना एक टाइप ऑफ सम भी खत्म हो गया चलिए तो लिखते हैं अपने टाइप वन क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजन क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजन में एक है चोमु वाला सम और एक है नॉन चोमू चोमू वाला सम अपना हो गया कौन सा था क्वेश्चन नंबर सिक्स सब ऐसा और क्वेश्चंस भी बुक में है क्या ऑफ कोर्स है एक बार देख लेते हैं आपका फर्दर रिदम क्रिएट हो जाएगा सिक्स के ब्रैकेट में लिखा हुआ था क्या क्या क्वेश्चन नंबर सिक्स के ब्रैकेट में लिखा हुआ था क्या यहां तो पटाखे फुलझड़िया ये सब बज रहे हैं Okay. श्री राम जी के स्वागत में मेरे बगल में आई डोंट नो आप लोग को आवाज सुन रहे क्या एक बार हैं वैसा और सम कौन सा है आप लोग भी सर्च कीजिए वैसा सम आपको दिख रहा है क्या जैसा क्वेश्चन नंबर सिक्स था आ, एक मिनट यार कृतिका बोल रही है नंबर टेन इज इट नंबर टेन या नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन थैंक यू क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन टेन तो क्वेश्चन नंबर टेन भी आप लोग खत्म कर सकते हो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर टेन वो स्टेप का था हो सकता और एक होगा ठीक है मे बी तो वो आप खत्म कर सकते हो नंबर टेन होमवर्क टाइप हो गया और नॉन चोमू वाला जो सम है ना वो सम में चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेवन और वैसा सिमिलर दिया हुआ थर्टी टू थर्टी फाइव ओके सेवन थर्टी टू थर्टी फाइव तो मैं सेवन कर रहा हूँ थर्टी टू और थर्टी फाइव आप लोग को करना होगा ठीक है चलिए नंबर सेवन में आते क्वेश्चन नंबर सेवन तो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेवन स्लो पेयर्स आर रेगुलर कस्टमर्स ऑफ गुड डीलर्स लिमिटेड गुड डीलर लिमिटेड कैलकेटर तो जाहिर है यह चैप्टर जो चल रहा है यानी अपने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सम होने वाला है गिवेन दिस चैप्टर यह किसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होने वाला है कॉमन सेंस चल रहा होगा तो जरूर जवाब दे पाओगे स्लो पेयर्स कस्टमर्स है गुड डीलर्स लिमिटेड का यानी स्लो पेयर्स माल खरीदता है गुड डीलर्स एकदम गुड डीलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है गुड डीलर्स और देखो गुड डीलर्स का क्या क्या भाग फूटा उसके पास कस्टमर भी आया तो वो स्लो पेयर है ओके okay? ऐसा जन जो हाले हॉले धीरे धीरे पे करता है लटका लटका के तो हम लोग गुड डीलर्स है एंड एव अप्रोच द सेलर्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ अ क्रेडिट फैसिलिटी फॉर इनेबलिंग देम टू परचेस गुड्स फ्रॉम गुड डीलर्स लिमिटेड तो वापस से अप्रोच किया हम लोग को कि भाई हम लोग को और क्रेडिट देना लगता है पहले भी लेता था वापस से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं हम को उधार में माल देना ऑन एन एनालिसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाइड द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ पेमेंट स्केड्यूल इमर्जेस इन रिगार्ड टू स्लो प्लेयर्स स्लो पेयर तो एक बार एनालिसिस किए कि पास्ट में जब ये लोग माल खरीदे ना अपने से तो क्या हिसाब किताब रहा है ये हिसाब किताब है स्लो पेयर्स का पास्ट हिस्ट्री तो आपको दिखा कितना परसेंट चांस है पैसा मारने का तो आपको दिखा क्या कितना परसेंट चांस है पैसा मारने का तो वन परसेंट तो पैसा देगा ही नहीं उसके अलावा नाइन्टी नाइन परसेंट जो है वो पैसा दे देता है अलग अलग टाइम में तो जो पैसा दे देता है ना जो पैसा दे देता है जो पैसा दे देता है ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट वन को छोड़ के इसका एसीपी निकालो तो एवरेज कलेक्शन पीरियड इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालो तो ये जो मैंने ग्रीन किया है ना नीचे वाला छोड़ के इसका एसीपी निकालो तो बिकॉज फिफ्टीन परसेंट ऑन एन एवरेज तीस दिन थर्टी फोर परसेंट ऑन एन एवरेज साठ दिन थर्टी परसेंट ऑन एन एवरेज नब्बे दिन ट्वेंटी परसेंट ऑन एन एवरेज हंड्रेड दिन निकाल रहे हो क्या या मैं हेल्प करू आई डोंट टू हेल्प निकाल रहे हो क्या फिफ्टीन परसेंट तीस दिन थर्टी फोर परसेंट साठ दिन तीस परसेंट नब्बे दिन ट्वेंटी परसेंट सौ दिन निकाल रहे हो क्या महक मोटवानी का आंसर आया बाकी लोग कलाकार है सबका आंसर आ रहा है 71.9 अवनीत सिंह विक्रमजीत सबका 71.9 महक मोटवानी आपका 70 कैसे आया आप फिर से चेक कर लीजिए पॉइंट वन फाइव इंटू थर्टी प्लस पॉइंट थ्री फोर इंटू सिक्सटी प्लस पॉइंट थ्री इंटू नाइनटी प्लस पॉइंट टू इंटू हंड्रेड कॉमन सेंस था कॉमन सेंस था बट प्रॉब्लम ये है सीए फाउंडेशन फिर से चलते हैं तो सी ए फाउंडेशन में किया होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज समेशन पी एक्स प्रोबिलिटी इन टू एक्स प्लस प्रॉबिलिटी इंटू एक्स किया आपने वेरिएबल था डेज और ये प्रॉबिलिटी तो आपने दिस इन टू दिस की एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल ठीक है बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल जब करते हैं तो सम टोटल ऑफ द प्रॉबिलिटी शुड बी वन टोटल ऑफ द प्रोबिलिटी शुड बी वन यहां पे तो सम टोटल ऑफ इज नॉट वन इट ये प्रोबेबिलिटीज़ है. है और ये एक्स है ठीक है ना आपने किया पॉइंट इंटू तीस प्लस इंटू साठ प्लस पॉइंट थ्री इंटू नब्बे प्लस पॉइंट टू इंटू सौ ठीक है पर वो तो कंसेप्चुअली रॉन्ग है बिकॉज टोटल ऑफ प्रोबिलिटी शुड बी वन तो जाहिर है इसी को अपने को हंड्रेड बनाना है ठीक है ये जो नाइनटी नाइन है इसी को सौ बनाना है तो जाहिर है डिवाइड बाय 99 नाइन इंटू सॉ सेवनटी वन पॉइंट नाइन डिवाइड बाय 99 नाइन इंटू सौ या .99, आप लोग का जो आया दैट डिड बाईं दैट डिवाइड बाय नाइन बताइए प्लीज बताइए 72 पॉइंट अराउंड 62 या 63 72.62 या 63 लिख लो कहीं पे लिख लो एसीपी लिख लो ना बगल में एसीपी 72.63 लिख लो ए एवरेज कलेक्शन पीरियड पैसा देते हैं जो लोग पैसा देते हैं उनको अगर यूनिवर्सल सेट माने तो 72.63 जो नहीं देते उनका बात छोड़ो पर जो देते हैं उनको ही अगर यूनिवर्स माने तो 72.63 है कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस का बात ही नहीं था जो हमने किया पंद्रह परसेंट लोग तीस दिन में चौतीस परसेंट लोग साठ दिन में तीस परसेंट लोग नब्बे दिन में बीस परसेंट लोग सौ दिन में ऑन एन एवरेज सेवेंटी वन पॉइंट समथिंग आया पर वो तो नाइनटी नाइन का आया ना तो नाइनटी नाइन को ही सौ मान लो डिवाइड बाई 99 नाइन इंटू सौ सेवेंटी टू पॉइंट सिक्स टू या सिक्स थ्री डेज इज इट फाइन आप लोग लिख लियो ए सी पी में बाद में पूछूंगा आप लोगों ने लिख लिया ए सी पी क्योंकि मैं बाद में पूछूंगा ओके okay, चलिए चलते और बैड डेट का परसेंटेज वन परसेंट है बहुत बढ़िया स्लो पेयर्स स्लो पेयर्स वांट्स टू तो एंटर इनटू अ फर्म कमिटमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑफ पंद्रह लाख इन दो हजार तेरह ठीक है वो तो उस समय में भी था चोमो वाले में कि भाई कितने का माल लेगा पंद्रह लाख का सेल्स होगा तो एक्सपेक्टेड सेल्स समझ में आ गया इन द कैलेंडर फर्क नहीं पड़ता है हम लोग भी तो जानते हैं जो सेल्स होगा वो तो पूरे साल भर होता रहेगा ना हर क्वार्टर में हर मंथ हो या हर, हर पंद्रह दिन में हो या हर सप्ताह में हो गए भुजिया खाने ठीक है ना ओके okay. तो सेल्स जो है पंद्रह लाख होगा द प्राइस पर यूनिट ऑफ द कमोडिटीज वन फिफ्टी ऑन विच अ प्रॉफिट ऑफ फाइव पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड तो कॉस्ट एक सौ पैंतालीस है एक रुपया का माल बेच रहे हैं तो कॉस्ट एक है तो 15 लाख का कॉस्ट क्या है बताइए हमें तो कॉस्ट ऑफ सोल्ड जानना है ना यस yes, प्लीज 150 पे 145 कॉस्ट है तो 15 लाख का जो माल बेच रहे हो उस पे कॉस्ट कितना है 15 लाख का जो माल बेचने वाले उस पर कॉस्ट कितना है पंद्रह लाख का जो माल बेचने वाले उस पर कॉस्ट कितना है फोर्टीन लाख फिफ्टी थाउजेंड सबका आंसर आया क्या यशराज yes, आप मिस्टेक कर रहे हो कॉमन सेंस की बात कर रहा हो एंड आप कुछ और सोच रहे हो पंद्रह इंटू वन फोर्टी फाइव बाईव लाखेंड तो फोर्टीन लाखेंड जो है वो इसका कॉस्ट है जो माल बेचते उसका कॉस्ट फोर्टीन लाख फिफ्टी थाउजेंड फोर्टीन लैख फिफ्टी थाउजेंड इट इज एंटिसिपेटेड बाय गुड्स डीलर्स लिमिटेड दैट टेकिंग अप दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड मीन एन एक्स्ट्रा रेकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ फाइव थाउजेंड पर एन क्या लग रहा है फाइव थाउजेंड ये फाइव थाउजेंड पर एन क्या लग रहा है पांच हजार एक्स्ट्रा कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लग रहा है एकदम सही एकदम सही आई एम अग्रिंग विथ यू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बट सरप्राइजिंगली वो तो आंसर देख के मेरे को फॉलो करना पड़ा इन्होंने उस पांच हजार को जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ले ली है मैं होता तो मैं वैसे नहीं सोचता मैं सोचता इसको अलग से कॉस्ट में लेस करेंगे पर पांच हजार को फिक्स्ड कॉस्ट टाइप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ले ली है तो जो हमने चौदह पचास आया था वो चौदह पचपन हो गया चौदह पचास चौदह पचपन हो गया अब इससे सबसे ज्यादा नाराज होगा यशराज उसको वैसे ले सकते हैं अगर एक सम बार बार एग्जाम में रिपीटेड आता है कौन उससे आर्ग्यू करने जाएगा तो सम में ये जो कॉस्ट है इसको फिक्स्ड कॉस्ट लेके उस पर ले लिया कॉस्ट ऑफ सोल्ड में लेस तो करना ही है सेल्स में से पर फर्क पड़ता है वेदर उसको ऊपर में लेस करे कॉस्ट ऑफ सोल्ड में या अलग से बैड डेट जैसे लेस करे क्योंकि अगर ऊपर में लेस करेंगे ऊपर में कॉस्ट उसको तो वो कॉस्ट के ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलने वाला है ना जो अपने ऊपर में लेंगे तो इज इट क्लियर इज इट क्लियर मैंने जब सम पहली बार देखा था अपने लाइफ में मेरे को एकदम फीलिंग नहीं था मेरे को था चौदह पचास सेल्स पे से लेस करेंगे प्रॉफिट आएगा फिर लेस करेंगे बैड डेट फिर लेस करेंगे ये पांच हजार मेरा यही फीलिंग था Sure, जो भी सम करता उसका भी यही फीलिंग होता बट इन्होंने उसको पांच हजार को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ही लिया है ठीक है सर क्या हम लोग नोट दे के अदरवाइज कर सकते हैं नहीं कर सकते आप फाइट आर्ग्यू नहीं कर पाओगे इस पर मैं नहीं चाहता हूं कि पांच मिनट बाद जब मैं ये छोड़ दूं तो वापस से इसका डाउट आए जो जिसको बोलना है वो यही बोल ले जो फाइव थाउजेंड है रेकरिंग कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लग रहा है उसको नीचे लेस करना चाहिए था पर उसको ये लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसके अंदर लेके लेस किए हैं जिससे कि जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे तो चौदह पचपन यूज होगा लक्ष्य जैन तो कहीं और ही चला गया वो बोला पांच हजार जो है वो क्या चौदह पचास में इंक्लूडेड नहीं है आई थिंक वो तो सबको क्लियर था कि नहीं इंक्लूडेड है वो तो अलग से बोला है वो तो किसी को डाउट नहीं था लक्ष्य वो आपको ही डाउट हुआ है ठीक है पांच हजार साफ साफ अलग से बोला है वो कोई हालत में इंक्लूडेड नहीं था और उसका डिस्प्यूट चल रहा भी नहीं था आप कुछ और ही सोच लिए तो बेसिकली चौदह लाख पचपन हजार अभी तक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया है चौदह लाख पचपन हजार ठीक है बट ठीक आगे चलते हैं फिर बाद में बताऊंगा इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड इन द हैंड्स ऑफ द गुड्स डीलर ट्वेंटी फोर परसेंट पर एन एम ऑपर्चुनिटी कॉस्ट वुड यू एज द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द सेलर रिकमेंड द ग्रांट ऑफ क्रेडिट टू स्लो पेयर्स वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर अज्यूम द ईयर इी सिक्सटी डेज इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन में 365 डेज ली है ना यहाँ पे आईसीआई को फॉलो नहीं करना है बिकॉज जो एकदम सिंपल सा मिस्टेक आईसीआई करता है ना उसका वो लोग दूसरा सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर लेते हैं ठीक है अपने 360 डेज ही लेंगे 365 नहीं लेंगे ठीक है अपने 360 ही लेंगे 365 नहीं लेंगे ठीक है ना उसका कोई इशू नहीं है या फिर यहां पे थ्री कर लेते जैसे आप आंसर मैच करा पाओगे चेंज कर लो तो इसको प्लीज बिकॉज़ मेरे को आंसर मैं थोड़ा सा अलग तरह से करूंगा तो मेरे को आंसर मैच कराना है प्लीज को 365 कर लो अब ये मत बोलना सर एग्जाम में भी हम लोग क्या 365 काट के करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में करके आएंगे नहीं बोला मैंने ये बात हम लोग 360 के हिसाब से एग्जाम में करेंगे मैं एक बार यहां पे 365 के हिसाब से करवा रहा हूं ओके okay. सम्स को अपने वैसे ही सॉल्व करना चाहते हैं जैसे हमने चोमो वाला सम किया था यानी कि एक्सपेक्टेड सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्रॉफिट आया बिफोर बैड डेट लेस बैड डेट प्रॉफिट आया आफ्टर बैड डेट इस पर कोई टैक्स है नहीं लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेट बेनिफिट इज इट क्लियर हम लोग वैसे ही सम को सॉल्व करना चाहते हैं सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस किए तो आगे अपना प्रॉफिट बिफोर बैड डेट लेस बैड डेट वो आया अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट उससे लेस ऑपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आगे अपना नेट बेनिफिट अपने सम को वैसे ही सॉल्व करना चाहते हैं ठीक है तो सब को वैसे सॉल्व करने के लिए क्या हमारे पास सेल्स है यस yes, सर पंद्रह लाख क्या हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है यस, सर फोर्टीन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड क्या हमारे पास सेल्स है यस yes, सर पंद्रह लाख क्या हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है यस सर फोर्टीन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड ठीक है क्या हमारे पास बैड डेट है यस सर वन परसेंट ऑफ पंद्रह लाख वन परसेंट ऑफ पंद्रह लाख यानी पंद्रह हजार वन परसेंट ऑफ पंद्रह लाख यानी कि पंद्रह हजार बोलो अभी तक समझ में आ रहा है क्या लिखा के तो कर लेंगे ओके okay, वन परसेंट और पंद्रह लाख पंद्रह हजार लक्ष्य आंसर तक पहुंच गया बोला लॉस आ रहा है आने दो ना जो भी आ रहा है आई बात आ रहा है यहां तक क्लियर है ओके okay, पंद्रह लाख लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चौदह लाख पचास उसके बाद हो जाएगा लेस बैड डेट अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब ध्यान से सुनना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में ध्यान से सुनना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में ठीक से सुनो सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस पे निकाल रहे हैं वो फंड्स जो हमारा ब्लॉक्ड रहेगा कितना फंड्स ब्लॉक्ड रहेगा कितने दिन के लिए उससे एट कॉस्ट आएगा और फिर इनटू जो रेट है करेक्ट है तो मैं बोलना चाह रहा हूं ये जो पार्ट है ना वन परसेंट जो बैड डेट वाला पार्ट है ये तो रिकवरी नहीं होने वाला है वन परसेंट ये वाला पार्ट तो रिकवरी नहीं होने वाला है तो इसको तो हम लोग ले नहीं सकते कैलकुलेशन में और लेंगे तो ये कितने दिन के लिए लें अगर वन परसेंट वाला calculation भी लेते हैं तो इसका ए क्या ले नॉट पॉसिबल रिकवर तो यही होने वाला है ना तो अकॉर्डिंगली हमें जो फंड्स लेना है वो चौदह पचपन नहीं लेना है वो चौदह लाख पचपन हज़ार का चौदह लाख पचपन हज़ार जो है उसका नाइन्टी उसका क्या लेना है चौदह लाख पचपन हज़ार का नाइन्टी नाइन परसेंट बताओ प्लीज़ चौदह लाख पचपन हज़ार का नाइन्टी नाइन परसेंट चौदह लाख पचपन हजार का नाइनटी नाइन परसेंट प्लीज चौदाह लाख पचपन हजार का नाइनटी नाइन परसेंट फोर्टीन लाख फोर्टी थाउजेंड फोर फिफ्टी फोर्टीन लाख फोर्टी थाउजेंड फोर फिफ्टी इज द कॉस्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ द सेल्स विच विल बी रिकवर्ड इज द कॉस्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ द सेल्स विच विल बी रिकवर्ड द रिमेनिंग इज बैड डेट तो फोर्टीन लाख फोर्टी थाउजेंड फोर फिफ्टी

तो 14 लाख फोर्टी थाउजेंड फोर फिफ्टी इंटू सेवेंटी टू पॉइंट सिक्स थ्री डिवाइड बाई एक बार कर रहा हूं थ्री सिक्सटी फाइव ओके एक बार करो रहा हूं थ्री करो फोर्टीन लाख फोर्टी थाउजेंड फोर फिफ्टी एक मिनट फोर्टीन लाख फोर्टी थाउजेंड फोर फिफ्टी इंटू सेवेंटी टू पॉइंट सिक्स थ्री बाय तीन सौ पैंसठ ऑल दो तीन सौ साठ लेना चाहिए मैंने चेंज कर दिया इंटू रेट क्या था रेट था चौबीस परसेंट इंटू चौबीस परसेंट कितना आया टू एटी सिक्स सिक्स थर्टी इज इट नहीं गलत आ रहा है विक्रमजीत का लगता है लेटेस्ट बोल रहा है वो सिक्सटी एट सेवन नाइनटी वन सेवन एटी सेवन सेवन नाइन्टी वन डिपेंडिंग अपॉन किसने 62.72.63 सिक्स थ्री ली है नाइन्टी करीब सिक्सटी एट सेवन नाइन्टी लिख रहा हूँ अप्रॉक्स सिक्सटी एट सेवन नाइन्टी किसी का सेवन एटी सेवन आ रहा है किसी किसी का सेवन नाइन्टी वन आ रहा है बिकॉज ये एक्यूरेट नहीं है ये अप्रोक्स है ये आप लोग का ये नहीं आया था ये 72.62 टू पॉइंट सिक्स टू आया था ये आप लोग का 72.62 टू आया था ठीक है सिक्स थ्री लेने से सिक्सटी एट सेवन नाइन्टी वन आ रहा है तो ये हो गया अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो उस हिसाब से अपना जो आंसर आ रहा है अभी डिस्कस कर रहे हैं लिखिएगा मत अभी डिस्कस कर रहे हैं लिखिएगा मत इनफैक्ट लिख लो एक्सपेक्टेड सेल्स पंद्रह लाख लेस सीओजीएस सीओ जी एस पे दो पार्ट एक है अगर बोल दे अपने ये लोग लिखते हैं पर वो वेरिएबल है नहीं वेरिएबल कॉस्ट वो हो गया 145 फोर्टी फाइव बाय वन फिफ्टी इंटू पंद्रह लाख और एक हो गया फिक्स्ड कॉस्ट वो हो गया पांच हजार जबकि वो पांच हजार कॉस्ट ऑफ सोल्ड नहीं है वो पांच हजार तो अलग कॉस्ट है ये दोनों मिला के अपना आया फोर्टीन लाख फिफ्टी थाउजेंड मैं मिला के लिख रहा हूं फोर्टीन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड सॉरी ये आप लोग का फोर्टीन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड आया था फोर्टीन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड आया था लेस किए लेस करके आगे अपना प्रॉफिट बिफोर बैड डेट इक्वल टू कितना फोर्टी फाइव थाउजेंड प्रॉफिट बिफोर बैड डेट फोर्टी फाइव थाउजेंड लेस बैड डेट वन परसेंट ऑफ पंद्रह लाख पंद्रह हजार तो ये आ गया अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर बैड डेट टैक्स वगैरह है नहीं इस सब में तीस हजार प्रॉफिट आफ्टर बैड डेट तीस हजार लेस ऑपरचुनिटी कॉस्ट अपने वर्किंग नोट दिखाएंगे वैसे ऑपरचुनिटी कॉस्ट आया कितना था सिक्सटी एट सेवन नाइनटी कॉस्ट अपने वर्किंग नोट दिखाएंगे वर्किंग नोट आया सिक्सटी एट सेवन नाइनटी नेट बेनिफिट नेगेटिव है नेट बेनिफिट नेगेटिव है कितना थर्टी एट सेवन नाइनटी 38790 थर्टी एट सेवन नाइनटी थर्टी एट सेवन नेगेटिव है थर्टी एट सेवन नेगेटिव है सबसे डिफिकल्ट सिक्सटी तो एट सेवन नाइनटी निकालना थर्टी एट सेवन नाइनटी नेगेटिव है अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल रहे हैं तो दिखा रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चौदह लाख पचपन हजार सी ओ जी एस फॉर नाइंटी नाइन परसेंट ऑफ सेल्स विच इज कलेक्टेबल विच इज कलेक्टेबल इक्वल टू फोर्टीन लैक फोर्टी थाउजेंड फोर फिफ्टी फोर्टीन लैख फोर्टी थाउजेंड फोर फिफ्टी एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू पॉइंट वन फाइव इंटू थर्टी प्लस चेक कर रहा हूं बुक में पॉइंट वन फाइव इंटू थर्टी प्लस आप लोग भी चेक कर लीजिए पॉइंट थ्री फोर इंटू सिक्सटी पॉइंट थ्री फोर इंटू सिक्सटी प्लस Point three into ninety plus point two into hundred the whole divided by point nine nine the whole divided by point nine nine.

फोर्टीन फोर्टी फोर फिफ्टी कितना दिन के लिए सेवेंटी टू पॉइंट सिक्स थ्री डेज बाय तीन सौ पैंसठ कितना परसेंट ट्वेंटी फोर परसेंट इक्वल टू क्या आया क्या आया था अपना 68791 सेवन नाइनटी वन या सिक्सटी एट सेवन आया था मैंने 790 लिख दिया अप्रोक्स सिक्सटी एट सेवन ठीक है नीचे कंक्लूजन लिख दें सिंस नेट बेनिफिट इज नेगेटिव सिंस नेट बेनिफिट नेगेटिव आया था सिंस नेट बेनिफिट इज नेगेटिव कॉमा आई डू नॉट रेकमेंड ग्रांट ऑफ क्रेडिट टू स्लो पेयर्स आई आई मतलब एज द फाइनेंस मैनेजर ओके डू नॉट रेकमेंड ग्रांट ऑफ क्रेडिट टू स्लो पेयर्स I do not recommend grant of credit to slow payers. I do not recommend grant of credit to slow payers. वो पूछा था last line. Do you recommend? I do not recommend grant of credit to slow payers. ICAI ने इसका जो solution किया है वो थोड़ा लंबा है एक बार ICAI का solution देख रहे हैं तो ICAI का solution देख रहे हैं और किसी भी स्टूडेंट को अगर वो सॉल्यूशन ज्यादा सुंदर लगे हंड्रेड परसेंट वो अपना सकता है उसमें पांच मिनट ज्यादा स्पेंड होगा और इनफिशियंसी है थोड़ा कहीं तो अपने अपने एक्स्ट्रा ब्रेन लगाए यस क्वेश्चन नंबर सेवन इनका जो आंसर है पंद्रह लाख माइनस चौदह पचास माइनस पांच चौदह पचपन लेस किया बैड डेट लेस किया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिक्सटी एट सेवन एटी सेवन आया है That's okay. 787, 790, वो 72. क्या था ना मैं भी पूछा नहीं आप लोग को सेवन नाइनटी तीन रुपया का डिफरेंस है रिकमेंडेशन अब ये लोग जो निकाला है ना वो कैसे निकाला है देखो ये लोग ए सी पी नहीं निकाला है ये लोग एसी पी नहीं निकाला है चौदह चालीस चार सौ पचास देखा ये ना ये लोग क्या किया है ये लोग ये लोग क्या किया है 15% लोग 30 दिन में देते हैं उनका अलग ब्रैकेट कर लिया 34% लोग का अलग ब्रैकेट 30% का अलग ब्रैकेट समझ गए ये लोग वैसे किए वैसे चालू कर एक बार करो प्लीज फोर्टीन लाख फिफ्टी था ना करो कैलसी फोर्टीन लाख फिफ्टी प्लीज फोर्टीन लाख फिफ्टी जो पूरा था इन टू प्लीज डो फोर्टीन लाख फिफ्टी का फिफ्टीन परसेंट लाख का परसेंट यार है लक्ष्य कृतिका 14 लाख 55,000 जो टोटल सेल किए थे उसका कॉस्ट उसका 15 परसेंट दो अठारह दो सौ पचास ये तीस दिन में देगा देखो तीन सौ पैंसठ भूल के लिए है तीन सौ साठ लेना चाहिए था चौबीस परसेंट उसका ब्याज अलग से निकाल दिया फिर फोर्टीन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड का थर्टी फोर परसेंट फोर्टीन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड का तीस परसेंट फोर्टीन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड का बीस परसेंट ठीक है यानी अल्टीमेटली पंद्रह लिया चौंतीस लिया तीस लिया बीस लिया लिया तो नाइनटी नाइन ही बिकॉज एक परसेंट तो कलेक्ट ही नहीं होगा इसलिए चौदह चालीस चार सौ पचास लिया जो मैंने पहले करवाया और मैंने इसका एवरेज निकाल दिया था ये थर्टी डेज सिक्सटी डेज नाइनटी डेज हंड्रेड डेज का एवरेज ए आ गया था अपना समझ गए तो ये टेबल बना के लोग कैलकुलेट किए Since आपका वर्किंग नोट दिया हुआ है तो अपना आंसर एक्सेप्टेबल है इवन जिसका 99 आउट ऑफ 100 आया था शिवम ठीक है तो हिट फॉलोड द सॉल्यूशन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट तो दिस इज हाउ इट इज डन क्वेश्चन नंबर सेवन ऐसा दो सम्स और है अगर आपको लगे ना हाँ यार उसमें झमेला था ना वो एसीपी में छोड़ना ऐसे ही करेंगे ऐसे कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं ये सम रॉन्ग कहाँ पे है एक तो तीन सौ साठ पैंसठ का वो तो भूल चुक माफ दूसरा इस सम में ये जो रेकरिंग कॉस्ट है पांच हजार मेरे को लगता है ये अलग से लेस करना चाहिए था और चौदह लाख पचास को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मानना चाहिए था मैंने चौदह पचपन को जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माना ना वो सम से क्लियर नहीं था वो तो आंसर देख के ठीक है रख लिया बट इट वॉज नॉट क्लियर उसको जैसे बैड डेट है वैसे लेस करना चाहिए था और चौदह पचास को फंडिंग के हिसाब से करना चाहिए था दैट इज वॉट आई बिलीव टोटल में तीन सम्स होमवर्क है आज एक तो क्वेश्चन नंबर टेन टोटल में तीन सम्स होमवर्क है आज क्वेश्चन नंबर टेन थर्टी टू थर्टी फाइव टेन थर्टी टू एंड थर्टी फाइव तीनों सम्स होमवर्क है टेन थर्टी टू थर्टी फाइव ओके तो प्लीज इनको कर लीजिएगा अपने कल शाम को मिलते हैं सेवन पी एम एंड लेट्स गो पटाखा छुटाने के लिए ठीक है हमारे भी कुछ फैमिली मेंबर्स गए हुए थे बाहर अब सब आ गए है। ठीक है धूम से पटाखा छुटाते हैं एंड रिमेम्बर ये जो एनर्जी है ना ये तुम्हारे लिए कैसे काम होगी तुम्हारे कर्म में इस एनर्जी को यूज करो जोश में आने के लिए एंड अपना नॉलेज अपना स्मार्टनेस एग्जाम में लगा के क्लियर करने के लिए ठीक है yes jai shri ram thank you bye bye एक टाइप तो हो गया